के बारे में हम लोग जानने वाले हैं ग्रेविटेशन है क्या ग्रेविटेशन एक प्रकार का क्या है फोर्स है ठीक है ना अप्लाइड जो लगता है बिटवीन बिटवीन किसके टू ऑब्जेक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यानी दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है ना विच हैव मासज जिनके पास क्या हो विच हैव मासज जिनके पास क्या हो माश हो माश का मतलब समझते हो ना जिसके पास क्या हो कुछ ना कुछ आ, मैटर की मात्रा हो ऐसे मास इसी में पढ़ना है आगे लेकिन से समझ सकते हो आप इसको वेट की तरह ले सकते हो वेट होता नहीं है लेकिन आप वेट की तरह ले सकते हो इसको ठीक है कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे मान लीजिए कुर्सी है आ, चेयर है और उस चेयर को बनाने के लिए क्या यूज किया गया होगा उड किया हो गया किया गया होगा यूज तो ऊड की जो मात्रा होती है मैग्नीट्यूड होता है जो भी वो उसका मास होता है वही कहानी है ठीक है दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि फोर्स जो होता है मतलब कौन सा फोर्स दो तरह के फोर्स होते हैं तो आपको बताना है एट्रैक्टिव फोर्स होता है कैसा फोर्स होता है एट्रैक्टिव फोर्स नॉट रिपल्सिव फोर्स है ना यानी एक दूसरे वस्तु को वो अट्रैक्ट करते हैं ना रिपल्स करते हैं आप मैग्नेटिक फोर्स पढ़िएगा तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स में आपका आ जाता है कि वो अट्रैक्ट भी करते हैं है ना यदि दोनों सिमिलर नॉन सिमिलर पोल्स होते हैं तो और रिपल्स करते हैं यदि कैसा होता है तो सिमिलर होता है तो सिमिलर पोल पे। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ पोल्स वगैरह नहीं है यहाँ पर सिर्फ कैसा फोर्स लगता है अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जिनके पास क्या होना चाहिए मास होना बहुत जरूरी है किसने पता लगाया तो आपको मालूम होगा आइजक न्यूटन जी थे जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया सर आइजक न्यूटन जी थे जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया कहा जाता है कि एक बार इनके यूनिवर्सिटी में जहां पर ये पढ़ाई कर रहे थे वहां पर एक बीमारी फैल जाती है जैसा कोरोना वायरस है आजकल तो वहां से वो आ जाते हैं कहाँ पर बताइए घर पर लोग भी आ गए थे इस बार गांव में वैसे ही वो गांव में अपने आते हैं और यहाँ पर जब वो अपने बगीचे में जाते हैं तो वहां पर सेब का बगीचा था वहां पर वो सेब गिरते हुए देखते हैं और उसके बाद वो इंस्टेंट उनको दिमाग में आता है ऐसा कहा जाता है लेकिन ऐसा है नहीं इंस्टेंट आता नहीं है बहुत दिनों से वो चीजें उनके दिमाग में चल रही थी उसके बाद उन्होंने इसके बारे में बताया किसने बताया आइजेक न्यूटन ने लेकिन कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लोग झूठ जो है ना वो परोसते हैं वही झूठ हम भी समझते हैं यही कहानी है इतना तो दिमाग में आ रहा होगा ग्रेविटेशन ही सिर्फ इसका नाम है क्या तो नहीं बोलेंगे ग्रेविटी भी इसका नाम है है ना लेकिन ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में अंतर क्या है यदि कोई पूछ दे तो कि जवाब क्या होगा तो आपका जवाब इनिशियली ये होना चाहिए अगर हम बेसिक लेवल पे पूछे तो ग्रेविटी का अगर कोई पूछे कि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में अंतर क्या है तो आपको बताना है ग्रेविटेशन उस फोर्स को कहते हैं जो फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है यदि उनके पास क्या है मास है यदि उनके पास क्या है मास है दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसके पास अगर मास है तो उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे और यदि उन दोनों ऑब्जेक्ट में यदि दोनों ऑब्जेक्ट के दोनों ऑब्जेक्ट में यदि कोई एक आपका अर्थ होगा तो वो ग्रेविटी हो जाएगा है ना तो सिंपल सी बात है ग्रेविटेशन फोर्स कितने ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है टू ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है इसमें से एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा अर्थ हो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट आप कुछ भी अपना सकते हो मैंने यहां पे बॉल ले लिया है लेकिन एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ होगा तभी वो ग्रेविटी के फॉर्म में आएगा ठीक है तो क्या ग्रेविटी को भी ग्रेविटेशन फोर्स बोल सकते हैं तो बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स और इसमें फिर अंतर क्या है ज्यादा अंतर नहीं ठीक है ग्रेविटी स्पेशल नेम सिर्फ इसके लिए दिया गया है कि जब अर्थ लगाएगा किसी ऑब्जेक्ट पे बल तो उसे हम ग्रेविटी बोलेंगे बोलो यश नॉट समझ में आ रहा होगा ठीक है सिंपल सी बात है और यही कारण है कि हम यदि कोई बॉल को थ्रो करते हैं आकाश में तो वो नीचे की तरफ आ जाता है कुछ समय के बाद क्योंकि एक अपोजिट में फोर्स लगता है यहां से हमने बॉल थ्रो किया मस्कुलर फोर्स लग रहा है तो बिना फोर्स के मोशन नहीं मूवमेंट नहीं तो यहां से मैंने एक दिया मस्कुलर फोर्स तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन अर्थ जो है वो उसको नेगेटिव डायरेक्शन में पीछे की तरफ खींचता है जिसके कारण वो एक समय ऐसा आता है जब उसका जो मोशन हो जाता है वो जीरो हो जाता है रेस्ट में आ जाता है और फिर उसको फिर उसके बाद डायरेक्शन चेंज करता है उसके बाद कहाँ आता है नीचे आता है कहानी मुझे लगती है आपको समझ में आ रही होगी और जब वो नीचे आता है है ना तो नीचे आते आते उसका जो मूवमेंट है वो इंक्रीज करता रहता है उसके बारे में हम आगे जानेंगे ऐसा होता है लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा ठीक है जैसा आपने यहाँ पर नोटिस किया आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो सन होता है वो सन मध्य में होता है सोलर फैमिली में और उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ एग्जैक्टली नहीं होता है लेकिन एज्यूम किया जाता है इलिप्टल पाथ कह सकते हैं तो उस पाथ पर वो मूवमेंट करता है कौन मूवमेंट करता है जितने भी प्लैनेट्स होते हैं जितने भी प्लानट्स होते हैं वो यही मूवमेंट शो करते हैं सन बीच में रहता है और उनके चारों तरफ कौन होते हैं प्लान्स होते हैं और यहाँ कहाँ पे रहता है सन तो उनके सेंटर में रहता है इलिप्टल पाथ में भी हम कह सकते हैं लेकिन इलिप्टिकल पाथ में दो सेंटर होते हैं तो हम यहाँ पर भी क्या एक सेंटर लेकर के समझा रहे हैं आपको तो सेंटर हो गया और सेंटर से एक बल लग रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इसको कहा जाता है जब कोई फोर्स सेंटर से लग रहा है तो सन एक फोर्स लगाता है प्लानिट्स पे और उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स बोलते हैं ये कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए ठीक है तो दुनिया का हर एक वस्तु दूसरे वस्तु पे बल लगाता है है ना एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन है ना जब अर्थ उसमें से एक ऑब्जेक्ट हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं ग्रेविटी बोलते हैं कहानी मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा ठीक है ग्रेविटेशन जो है वो क्या पूरे दुनिया में लागू है तो बिल्कुल ग्रेविटेशन जो है वो पूरे दुनिया में ग्रेविटेशन gravitation या ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पूरे दुनिया में लगता है हर एक वस्तु के बीच में है ना चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो टेरेस्ट्रियल हो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट कैलेस्ट्रियल हो कैलेस्ट्रियल हो कलेस्ट्रियल हो या टेरेस्ट्रियल हो ये दोनों ऑब्जेक्ट में ये लागू होता है है ना टेरेस्ट्रियल उसे कहा जाता है वैसे ऑब्जेक्ट को जो कहाँ पे होते हैं अर्थ पे और कलेस्ट्रियल उसे कहा जाता है जो आकाश में होते हैं है ना कलेस्ट्रियल उसे कहा जाता है जो अदर स्पेस में पाए जाते हैं अगर अर्थ के स्पेस में अर्थ के एटमोसफेयर में है तो उन्हें कहा जाएगा टेरेस्ट्रियल एंड अदर स्पेस में आ जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कलेस्ट्रियल लेकिन कलेस्ट्रियल हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो पूरे दुनिया में ये लागू होता है पूरे दुनिया में ये ला... पूरे दुनिया मतलब जितना आपको जानकारी है पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्स में लागू होता है उसके बाद अगला सवाल ये पूछा जाता है कि ग्रेविटेशन फोर्स मतलब क्या कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है यदि इसके पास मास नहीं है तो एम मान लेते हैं इसके पास मास नहीं है एम मान लेते हैं दूरी नहीं दिया हुआ हार मान लेते हैं क्या ये बल लगाएगा क्या एम वन एम टू पर बल लगाएगा तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल लगाएगा एम वन एम टू पर बल लगाएगा क्या एम टू एम ओन पे लगाएगा तो बिल्कुल लगाएगा क्योंकि दोनों के पास मास है तो इनिशियली हमने क्या पढ़ा है कि जिसके पास मास होता है वो फोर्स लगाते हैं तो एम ओन के पास मास है वो बल लगाएगा एम टू पर एम टू के पास मास है वो एम पन पे बल लगाएगा लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा कि इनके पास कितना मास है जिसके पास मास ज़्यादा होगा वो फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेगा बोलिए समझ में आ रहा है तो बहुत ही आसान सा है अगर इसको समझना चाहते हैं बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं चीजों को तो एक हो गया एक पार्ट इसमें आपने जाना इंट्रोडक्शन कि भाई ग्रेविटेशन होता क्या है बेसिकली ठीक है बाद में अब हम जानने वाले हैं कि न्यूटन जी ने इसको खोजा तो जरूर अब सवाल ये उठता है लोगों ने सवाल पूछा न्यूटन जी से ही उनसे उन्होंने पूछा कि बताइए आपने ये बताया तो जरूर कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक बल लगता है जिनके पास मास होता है उसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं क्या ये किसी खास रूल को फॉलो करता है तो उन्होंने जवाब दिया हाँ ये हमने निकाला हुआ है तो मैं आपको ये बता देता हूँ तो उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ कुछ चीजें एज्यूम कर लेनी है एज्यूम कर लेनी है जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है क्या है आपका एम और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको उन्होंने कह दिया कि ये एम है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है आर है उन्होंने ऐसा कहा कि दो ऑब्जेक्ट जरूरी था हम मास कोई भी ले सकते हैं तो एम m2 हमने मान लिया और डिस्टेंस कोई भी ले सकते हैं तो हमने डिस्टेंस आर मान लिया कुछ भी आप रख सकते हो वहां पर इसको देखते हुए फिर उन्होंने कहा कि देखिए हमने लॉ बनाया है है ना लॉ बनाया है नहीं, मतलब ज्ञात किया है चीजों को ऑब्जर्व करके प्रैक्टिकल करके और उन्होंने कहा कि देखिए इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में बल लगेगा कौन सा फोर्स लगेगा एट्रैक्शन फोर्स लगेगा और उन्होंने लॉ बताया क्या बताया द अट्रैक्टिव फोर्स द अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स या टू बॉडीज दो बॉडीज है, है ना इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेज़ प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेज़ उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके एंड सिर्फ इतना ही नहीं इसका भी प्रभाव होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑफ द डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन देम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है है ना उसके उसके प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल स्क्वायर के और दोनों ऑब्जेक्ट के मासेज का डायरेक्टली uh, प्रोपोर्शनल ऐसा उनका मानना था ऐसा उन्होंने प्रूफ किया था ऐसा उन्होंने क्या किया साबित किया उन्होंने ऐसा बताया लोगों के कि ऐसा होता है सच में ठीक है इतना तो क्लियर हो गया होगा यही रूल है यही ग्रेविटेशन का लॉ है आपको यही याद करना है अगर कोई पूछे तो आप आराम से इस लॉ को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बता सकते हैं ठीक है याद करने की जरूरत नहीं है बड़ा सिंपल सा है दो ऑब्जेक्ट हैं मास हैं दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि यदि मास बढ़ेंगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा है ना प्रोडक्ट ऑफ दर मासज बोल रहा है तो मास कोई भी बढ़ेगा दोनों में से है ना आपका फोर्स का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरे चीज क्या हो जाएगी घट जाएगी ये कहानी है ये जो वर्ड लिखा हुआ है अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाए तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इस तरीके से आपने पढ़ा होगा मैथ्स में एथ क्लास और भी पहले पढ़ा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट का मास uh, का प्रोडक्ट तो एम वन क्या हो जाएगा एम यही तो मास था तो इन दोनों के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्रेविटेशन फोर्स होता है इसको हम क्या मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे उसके बाद क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो साइन क्या ऐसा ही होता है कि अलग होता है तो ऐसा ही होता है बट इनवर्सली बोल दिया तो आप उसको क्या नीचे डिवाइड के फॉर्म में आप लिख लो और क्या बोल रहा है डिस्टेंस का स्क्वायर तो डिस्टेंस क्या है आर है तो आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर दैट इज द सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशन को देखो फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ए यह साइन और क्या हो जाएगा एम वन एम टू और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ये कहानी है ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली proportional M1 टू और नीचे क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर हो जाएगा दोनों कॉम्बिनेशन है देखो अगर हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे ना तो ऐसे पढ़ेंगे लेकिन साथ में कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा देखो M1 टू ऊपर ही है और आर स्क्वायर नीचे ही है तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ऐसा फॉर्म आएगा इसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी अब लॉजिकल बात है ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1, M2 R2 के, अब यहां पर ये वाला से काम होने वाला नहीं है ये वाला साइन बदलेगा यहां पे क्या हो जाएगा बराबर और बराबर जैसे ही होगा तो एक कांस्टेंट आएगा वैल्यू जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैपिटल जी है, है ना क्या कैपिटल जी मतलब इनका वैल्यू अगर बढ़ेगा या घटेगा तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा घटेगा एक खास प्रोपोर्शन में इसका भी घटेगा बढ़ेगा उसके अनुसार इसका भी घटेगा बढ़ेगा तो वही जो कांस्टेंट वैल्यू होता है जिस पे वो बढ़ता है घटता है उसको जी मान लिया जाता है यहां पर और ये एम वन एम टू हो जाएगा और नीचे क्या हो जाता है आपका आर स्क्वायर अब इस पर आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं ये वाला वैल्यू आपका मतलब ये वाला फॉर्मूला आ गया तो ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू निकालना हो तो फॉर्मूला आपका यही है कैपिटल जी एम वन एम टू है ना बाई क्या हो जाएगा आर ए स्क्वायर है ना इसमें एक चीज आपको और लग रही होगी और वो है आपका कैपिटल जी है ना इस पर हम बात करेंगे तत्काल हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा ठीक है और हम बात करने वाले हैं कैपिटल जी को छोड़ेंगे नहीं देखिए कहानी में हमने ये देखा जो भी बताया गया आपको इसमें हमने यह जान लिया कि यदि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वन इन टू एम टू के तो इसका मतलब यह हुआ कि एम वन अगर टू टाइम्स बढ़ता है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी टू टाइम्स बढ़ेंगे यदि यह टू टाइम्स बढ़ते हैं तो यह भी टू टाइम्स बढ़ेंगे है ना अगर दोनों दो दो टाइम्स बढ़ जाता है तो ये फोर टाइम्स बढ़ जाएंगे लॉजिकल बात है बढ़ेंगे है ना एक और हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनवर्सली वेरिएटेड होता है किसका वन बाय आर स्क्वायर के तो इसमें क्या कहानी है भाई कि अगर आर टू टाइम्स बढ़ेगा तो ये फोर टाइम्स घट जाएगा अगर आर टू टाइम्स घटेगा तो ये फोर टाइम्स बढ़ जाएगा ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा लेकिन यहां पे टू टाइम्स तो ये फोर ये थ्री टाइम्स तो ये नाइन ये फोर तो ये सिक्सटीन बिकॉज स्क्वायर है ना तो फोर का स्क्वायर क्या होगा सिक्सटीन हो जाएगा कहानी आपको समझ में आ रही होगी चीजें अगर पूछी जाएंगी तो इस तरीके से पूछी जा सकती हैं कि यदि मास बढ़ेगा टू टाइम्स तो ग्रेविटेशन फोर्स के साथ क्या होगा तो टू टाइम्स बढ़ जाएगा अगर ये टू टाइम्स बढ़ेगा तो ये फोर टाइम्स क्या हो जाएगा घट जाएगा नॉट बढ़ेगा बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और दो का चार से तीन का नौ से इस तरीके से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ठीक है कोई तकलीफ है आपको यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत हो रही होगी यहाँ तक अगला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है वो ये है कि आपको बताना है यूनिट ऑफ कैपिटल जी है ना इसका वैल्यू पूछा जाएगा और इसके यूनिट के बारे में पूछा जाएगा तो इसके वैल्यू के बारे में हम आगे जानते हैं अगर सवाल ये पूछ दे कि यूनिट ऑफ जी क्या होता है तो कैसे पता करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है कैपिटल जी एम वन एम टू बाई क्या आर ए स्क्वायर अब सिंपल सी बात है जिसका यूनिट चाहिए उसको एक तरफ बाकी को एक तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन टू क्या हो जाएगा इधर डिवीजन में है गुना में आ जाएगा आर स्क्वायर और एम वन एम टू जो है मल्टीप्लाई में है तो क्या में आ जाएगा डिवीजन में और ये कैपिटल जी आपका यहाँ पे प्रतीक्षा कर रहा है अब लॉजिकल बात है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है तो फोर्स जिसमें लग जाता है उसका यूनिट न्यूटन होता है न्यूटन लिख लेंगे और आर है आर जो है डिस्टेंस को शो करता है लेंथ को तो ये क्या हो जाएगा मीटर आर का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर यहाँ पे मास है मास का ऐसा यूनिट के होता है एक और मास है तो के जी क्या हो जाएगा के बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल जी तो ये न्यूटन को हम सिंबलाइज करेंगे न्यूटन से ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और के स्क्वायर स्क्वायर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके हमें हो जाएगा माइनस में तो ये हो जाएगा कैपिटल जी का यूनिट बताइए इसमें याद करने की कोई जरूरत है तो बिल्कुल नहीं जो हमें पहले से पता है उसके थ्रू हम कैपिटल जी का यूनिट निकाल सकते हैं ठीक है बशर्ते हमें फोर्स का यूनिट पता होना चाहिए हमें मास uh, का यूनिट पता होना चाहिए और डिस्टेंस और लेंथ का भी पता होना चाहिए और मुझे लगता है कि सब लोगों को ये पता होगा तो बहुत ही ईजिली देखिए कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ों के अलावा मतलब कुछ चीज़ें तो याद करनी ही पड़ती हैं बट मिनिमम तो, इसमें याद करना है मैक्सिमम आपको सिर्फ क्या करना है ध्यान देना है चीज़ों को और आप एकदम आसानी से कर सकते हैं अगला सवाल जो पूछा जाएगा आपसे कि इसका वैल्यू क्या होता है है ना इसी में हो जाएगा तो आसानी से हम कर लेते हैं वैल्यू ऑफ कैपिटल जी पूछा जाता है जो कितना होता है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू क्या हो जाएगा माइनस ग्यारह और इसका यूनिट आप लिख सकते हैं अब याद करने का तरीका है हॉलीवुड मूवी है ना यह या हम याद कर सकते हैं क्या युवराज सिंह वाला ऐसे तो उनका सिक्स सिक्स था बहुत ज्यादा ना मतलब छः बॉल पे छः छक्के मारे थे तो वैसा याद कर लेंगे ना सिक्स सिक्स याद आ जाएगा दिमाग में युवराज सिंह याद रखो है ना युवराज सिंह याद रखो सिंह में लास्ट लेटर जी होता है और उससे हो जाएगा दिमाग में अब कोई भी तरीका हो सकता है तो 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस ग्यारह और माइनस ग्यारह आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं बस याद रखिए कि ग्रेविटेशन में कितने वर्ड होते हैं अब ध्यान से देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह वर्ड होते हैं और यहाँ पर भी मैंने ये ग्यारह ही लिखा है तो वैल्यू ऑफ कैपिटल जी क्या होता है टू तो पावर और इस वैल्यू को आप याद कर लो है ना ठीक है ये पता कैसे लगा है ये पता कैसे लगा है ये बड़ा सिंपल सा मतलब अगर क्वेश्चन अगर कोई पूछ दे तो आप बता सकते हैं देखिए सबसे पहले पूछा जाता है कि जी होता क्या है जी का वैल्यू होता क्या है और किस तरीके से फाइंड आउट किया गया था ठीक है तो देखिए जी का वैल्यू हमने जान लिया कितना होता है बट आप नॉर्मली एक और तरीका है जिसके थ्रू इसको समझा सकते हैं हमने ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या पढ़ा है कैपिटल जी पढ़ा है है ना उसके बाद क्या पढ़ा है एम वन एम टू बाय क्या हो जाएगा आर स्क्वायर तो ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर कैपिटल जी वैसे ही छोड़ देंगे देंगे अगर हम M1, M2, 1, 1 लिख देंगे और नीचे वन का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस अगर हम यूनिट ले लेते ले हैं और मास अगर यूनिट ले लेते हैं तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी हो जाएगा यानी सिंपल सी बात है कि कोई भी यूनिट मास का ऑब्जेक्ट है यदि दो है है ना जिसका वजन कितना है वजन नहीं मास कितना है वन के है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का है वन मीटर का है तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल्यू के वैल्यू के बराबर होगा ठीक है बस इतना दिमाग में रखना है और जितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है किनके किनके बीच में दो ऑब्जेक्ट कौन कौन जिनके मास कितने हैं वन वन और दूरी कितनी है वन उनके बीच में जो बल लग रहा है वो जी के बराबर है किसके बराबर है कैपिटल जी के बराबर है बोलो यस और नॉट यस कहानी समझ में आ रही है मुझे लगता है कि समझ में आ रही होगी कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी और जो वैल्यू होता है वो कितना होता है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर कितना माइनस ग्यारह क्या बोलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के स्क्वायर है ना साथ में दोहराइए याद हो जाएगा हमेशा के लिए ठीक है तो बहुत ही आसान है लेकिन ये पता कैसे किया गया है इसके बारे में आगे, आगे आपको बताया जाएगा फॉर्म में मैं बेसिक बता देता हूँ है ना इसको पता लगाने वाले का नाम था हेनरी कैवेंडिस नरी कैंडिस नाम था उनका एक बैलेंस लेते हैं बहुत ही सेंसेटिव बैलेंस होता है इस तरीके का ठीक है हाँ आप ऐसे बोल सकते हो इस तरीके का बैलेंस ऐसा बैलेंस और ऊपर से ऐसे ऐसे होता है ना हमारे गाँव में जो तराजू होता है ना वो दुकानदार रखे हुए रहते हैं वैसा और यहाँ पर उन्होंने एक पॉल यूज किया था इस तरीके का है ना यूनिट यूनिट मास का था वन के जी एंड वन के जी और यहाँ पे डिस्टेंस इनके बीच में कितने का था वन मीटर का था है ना और उसके थ्रू इन्होंने लगभग एक साल तक वन ईयर यानी एक साल तक इन्होंने ऑब्जर्वर ऑब्जर्व किया था ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है कि ये जो इस तरीके से था ऑब्जेक्ट ये इसमें क्या आ जाता है टॉर्क लगता है जिसके कारण है ना पहले ऐसा था और एक साल के बाद ऐसा हो जाता है तो फोर्स का वैल्यू इतना छोटा है ना कि ये वैल्यू को रीड करने में टाइम लग जाता है लॉजिकल बात है ना रात में जब हम मून को देखते हैं तो हम ये अगर चाहें कि हम एक मिनट में ऑब्जर्व कर ले कि वो मूवमेंट कर रहा है नहीं कर सकते हैं क्योंकि मूवमेंट स्लो है हमारे लिए रिस्पेक्टिव में वही तेज रहेगा पता चल जाएगा है ना कोई ऊपर से एरोप्लेन जाता है रीड कर लेते हैं क्योंकि मूवमेंट फास्ट है रिलेटिव तो हमसे तो वही चीज़ है यहां पर एक साल लगे मतलब मूवमेंट बहुत स्लो और स्लो पीछे स्लो के पीछे रीजन क्या जो फोर्स का वैल्यू है वो इतना है न्यूटन में अगर हम बोले देखो ग्रेविटेशन फोर्स इज कैपिटल जी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन माइनस एगार बहुत छोटा है ना और इसको निकालने के लिए उन्होंने है ना यहाँ पे ये थीटा हो गया फिर टॉर्क वगैरह वगैरह निकाला टॉर्क इसको बोला जाता है कि एक ऑब्जेक्ट में नीचे से फोर्स लग रहा है और एक में ऊपर से नीचे तो ऐसा चेंज हो जाता है एंगल चेंज हो जाता है इसके बारे में आपको आगे जानना है ये मैथमेटिकल टर्म है ना अभी इस क्लास में मात्र इतना ही आपको जानना है ठीक है तो कोई पूछेगा किसने पता लगाया लगा और उसके बाद उन्होंने दो यूनिट मासज और दोनों के दोनों को रखा यूनिट डिस्टेंस पे और इसको पता लगा लिया ठीक है अगला जो क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा वो ये <laughs> क्योंकि बेसिक्स अभी चल रहा है तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि बताइए इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है इंपॉर्टेंस क्या है इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस का मतलब होता है इसकी उपयोगिता क्या है मतलब ये नहीं रहेगा तो क्या नहीं हो पाएगा या क्या जीवन पॉसिबल है तो आसान सा सवाल है नहीं हो पाएगा सबसे पहले यदि ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रहा तो ऑब्जेक्ट uh, अर्थ पे नहीं रह पाएंगे टिक पाएंगे तो बेंडिंग है ना क्या बोल सकते हैं हम इसको बेंडिंग यहां पे हम कह सकते हैं ये बाइंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बेंडिंग नहीं बेंडिंग मतलब तो मुड़ना हो जाएगा तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं बैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट uh, का जुड़ाव जिसमें हम लोग भी ऑब्जेक्ट ही है ना टू अर्थ किससे भाई तो अर्थ से अर्थ के साथ जुड़ाव अर्थ के साथ जुड़ाव बनाने का काम कौन करता है आ, ग्रेविटेशन करता है नहीं तो सब लोग उड़ने लगते आकाश में ठीक है ना ऊपर की तरफ क्योंकि <laughs> कोई रोक के नहीं रखता जैसे मतलब कोई भी चीज़ छत से गिरता है ना वैसे हम लोग गिरने लगते लेकिन हम लोगों को चिपकाया हुआ है और कौन चिपकाया हुआ है अर्थ चिपकाया हुआ है सिंपल सी बात है दूसरा हम क्या बोल सकते हैं रेनफॉल होता है तो किसके कारण ग्रेविटेशन के कारण या क्या बोल सकते हैं स्नो फॉल किसके कारण ग्रेविटेशन के कारण बहुत ही सिंपल सा है रेनफॉल रेन में क्या है वाटर है लिक्विड है क्या है मास होगा उसके पास मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा किधर की तरफ लगेगा नीचे की तरफ तो सिंपल सी बात है नीचे की तरफ गिरेगा तो नीचे की तरफ फॉल करेगा इसलिए नाम पड़ गया रेनफॉल है ना स्नो नीचे की तरफ आएगा तो क्या नाम पड़ेगा स्नोफॉल और कोई भी चीज़ नीचे की तरफ फ्रीली गिरता है तो उसे कहते हैं फ्री फॉल जो आगे जानेंगे ठीक है तो रेनफॉल हो गया और उसके बाद स्नोफॉल हो गया बहुत सारी चीज़ें हैं एटमोसफेयर एटमोसफेयर को होल्ड करता है होल्ड द एटमोसफेयर है ना एटमोसफेयर को होल्ड करके रखता है एटमोसफेयर अगर है तो सिंपल सी बात है उसी के कारण है आ, फ्लो ऑफ रिवर है ना ऊंचाई से आता है और जाकर समुद्र में मिल जाता है पहाड़ों से निकलता है समुद्र में जाकर के मिल जाता है रिवर जितने भी होती हैं नदियाँ जितने भी होती हैं रीजन बड़ा साफ है है ना इस तरीके से उन उनपे बल लगता है ऊपर से नीचे की तरफ है ना और कहीं कहीं अगर ऊंचा मिलता भी है तो वो फ्लो इतना ज़्यादा होता है उधर से ना कैनेटिक एनर्जी वो अपने अंदर रखे हुए रहते हैं कि आ, मतलब फिर कुछ डिस्टेंस ऊपर की तरफ ही मतलब चढ़ जाते हैं है, है ना कोई भी आदमी बहुत पैंडल चलाते हुए आता है ना तो देखें ना कि बहुत सारा डिस्टेंस वो ऐसे ही कर लेता है कवर ट्रेन हो गया एक बार चालू हो जाता है ना अगर सौ के स्पीड से चालू है तो वो एक दो स्टेशन तो ऐसे ही बंद मतलब चालू, मतलब बिना चालू किए हुए भी वो पार कर सकता है हाँ धीरे धीरे स्पीड उसका डिक्रीज करेगा बट लेकिन काफी डिस्टेंस वो तय कर लेता है तो फ्लो ऑफ रिवर हो गया उसके बाद <laughs> सिंपल सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स एक एक तरह से होता है सेंट्रपीटल फोर्स लगता है जिसके कारण क्या होता है प्लान जो हैं वो रिवोल्व करती हैं किसके चारों तरफ बताइए सन के चारों तरफ तो ये भी एक है रीज़न मतलब मतलब ये भी एक है इम्पोर्टेंस उसके बाद क्या है इम्पोर्टेंस टाइट्स जानते होंगे है ना समुद्र का पानी जो है ऊपर आता है फिर नीचे जाता है जब नीचे जाता है तो मछुआरे जो हैं मछली जो ये करते हैं पकड़ते हैं उनको आसानी हो जाती है ठीक है तो टाइट्स जो है ना वो पैदा किया जाता है किसके द्वारा ग्रेविटेशन फोर्स के कारण पैदा होती है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे ये तो इम्पोर्टेंस हो गया कि भाई कहाँ कहाँ इसकी उपयोगिता है इनकी अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे अगला सवाल ये आपके मन में आ रहा होगा दुनिया में हर एक दो वस्तु के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है आपने ऐसा बताया है लेकिन ये फील क्यों नहीं होता है ये ऑब्जर्व क्यों नहीं होता तो इसके पीछे रीज़न वही है बड़ा साफ़ है देखिए केस वन हम बताते हैं आपको हर एक एग्जाम्पल लेकर के केस वन में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम एम वन एक ऑब्जेक्ट को मानने वाले हैं कि वो कितने के जी का है वन के जी का है एक ऑब्जेक्ट है जिसको एम टू मानेंगे और वो कितने के जी का है वन के जी का है और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो हम मान लेंगे कितने का वन मीटर का ठीक है और इस पर हम ग्रेविटेशन फोर्स निकाल बनाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल जी और क्या होता है एम वन और क्या होता है एम टू और नीचे आर स्क्वायर फॉर्मूला आ गया अब इस पर बैठाएंगे क्या होगा 6.67 माइनस ग्यारह एम वन क्या है वन और क्या है वन तो वन का स्क्वायर ये सब कैंसिल सिंपल सी बात है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू अभी तो कुछ देर पहले बताया गया था कितने के बराबर हो गया सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस ग्यारह क्या न्यूटन क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स का वैल्यू बोल रहा हूँ जी का वैल्यू लिखना होगा अगर सिर्फ कैपिटल जी का तब वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर होगा ग्रेविटेशन फोर्स तो इतना होगा ये जो वैल्यू है इसको ध्यान से देखिए ये वैल्यू क्या है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टेन टू दावर माइनस ग्यारह है ये वैल्यू से कुछ आपको याद आ रहा है या कुछ समझ में आपको आ रहा है चलिए मैं बताता हूँ क्या याद करना है और क्या समझना है ठीक है जैसे देखिए यदि मैं यहाँ पे टेन टू दावर माइनस वन लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है वन बाई टेन होता है यदि मैं यहाँ पर टेन टू दावर माइनस टू मीटर लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है कि वन बाई टेन का स्क्वायर ऊपर माइनस या नीचे प्लस हो जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे मीटर यानी हम इसको वन बाई हंड्रेड भी लिख सकते हैं और मीटर लिख सकते हैं और इसका मतलब इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है इस फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो वन मीटर का है और उसको सौ भागों में बांटा गया है सौ पार्ट में डिवाइड करा गया है है ना इसका मतलब माइनस वाला जो होता है वो क्या होता है डिवाइड करता है कोई भी यूनिट चीज को और बहुत छोटा बनाता है वन मीटर इज़ द बड़ा पार्ट बिग पार्ट लार्ज पार्ट एंड हैंड्रस पार्ट जो होगा वो बहुत ही छोटा हो जाएगा इतना छोटा हो जाएगा कि वो आपको दिखाई नहीं देगा सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस से ग्यारह है जब ये नीचे आएगा ये क्या हो जाएगा आपका बहुत ही वैल्यू मिनिमम आएगा मिनिमम मिनिमम बहुत ही ज़्यादा मिनिमम और इतना मिनिमम आएगा मतलब काफ़ी मिनिमम आ जाएगा इतना छोटा होगा कि ये जो फोर्स होगा ये कैपेबल नहीं कर नहीं कर पाएगा क्या करने के लिए वर्क ये वर्क इसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो छोटा है पता लगा मतलब है ना मैंने बस छोटा माइनस लगा हुआ है मतलब छोटा है लॉजिकल बात है अगर कोई साइकिल चला रहा है अगर सिंपल सी बात है पीछे से जा के इसे फूक मारिएगा तो थोड़ी चलेगा है ना थोड़ी आप मतलब कुंभकर्ण टाइप आर्मी है बहुत ज्यादा बलशाली है फुक मार दिया भीम जी थोड़ी है है ना हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा थका देना पड़ेगा सर टच करने से थोड़ी होगा है ना या मेंटली सोचने लगेंगे तो थोड़ी होगा तो नॉर्मल सी बात है कि नहीं हो पाएगा वर्क नहीं हो पाएगा है ना इसीलिए क्या होता है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है और ये टेबल है दिस इज द टेबल और दिस इज द बॉडी या ऑब्जेक्ट बोलते हैं <coughs> और इनके बीच में क्या लग रहा है यहां पर बताओ फ्रिक्शन लग रहा है और ये जो फ्रिक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं स्टैटिक स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है? नाम तो सुना ही होगा फ्रिक्शन तीन प्रकार के होते हैं ना उसमें से एक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है अब यहां पर जो होते हैं ना वो ये अगर इसको जूम करके देखा जाए इस ऑब्जेक्ट के नीचे वाले सर्फेस को तो ऐसा दिखेगा ऐसा और टेबल का ऊपर वाला सरफेस ऐसा होता है और ये दोनों कंबाइन करते हैं और यहाँ पे क्या बनाते हैं बताओ इंटरलॉक बनाते हैं क्या बनाते हैं इंटरलॉक अब इस इंटरलॉक को तोड़ने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा फोर्स लगाना पड़ेगा और वो फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए इस इंटरलॉक से ज़्यादा होना चाहिए है ना इतना ज़्यादा होना चाहिए कि वो इंटरलॉक को तोड़ दें लेकिन यहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू आ रहा है वो उस इंटरलॉकिंग से कम आता है माइनस में है कम ही आएगा पॉजिटिव होना चाहिए और इस कारण से ये वर्क नहीं कर पाता है वर्क करने का मतलब मूवमेंट करना मूवमेंट तो होगा नहीं क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग के लिए इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए फोर्स चाहिए और वो फोर्स पॉजिटिव होना चाहिए और ये फोर्स क्या है निगेटिव है बातें समझ में आ गई होंगी मुझे ऐसा लगता है तो ये उदाहरण है कि भाई दुनिया में हर एक वस्तु के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है लेकिन वो एबल क्यों नहीं होते हैं वर्क करने के लिए उसके पीछे रीजन ये था अब आपके मन में हो रहा होगा कि नहीं तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाता होगा क्या ये फोर्स नहीं मतलब ये काम नहीं कर पाता है कहीं पे तो बिल्कुल करता है ना अभी तो बताया गया कि मास कम होगा तो दिक्कत हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा किसको बढ़ाना पड़ेगा मास को बढ़ाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा देखिए तो इसमें हम क्या करने वाले हैं हम एक मास यानी कैपिटल एम से रि करते हैं ये मैंने लिख लिया है सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर क्या के जी ये किसका है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये किसका है अर्थ का है आगे बढ़िए एक और ऑब्जेक्ट है एम टू या स्मॉल एम बोल देते हैं सिर्फ और ये क्या है वन के जी का है चलिए एक बार हम इस मतलब एक ऑब्जेक्ट को तो बड़ा रखना पड़ेगा ना भाई मैंने अर्थ को रख लिया और एम जो है एक और जो है वन के जी हो गया दोनों के बीच में डिस्टेंस कितने का होगा तो ये हो गया आपका अर्थ और आपने ऑब्जेक्ट को रखा है सरफेस पे तो सेंटर से जो दूरी होगी ना यहाँ तक वही ना होगा डिस्टेंस तो ये क्या होगा रेडियस और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है मालूम होगा 6.4 10 टू दी पावर 6 मीटर ठीक है इतना आपको पता होना चाहिए अब लॉजिकल बात है हम लगाएंगे कौन सा फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स मतलब लगाएंगे फॉर्मूला फॉर्मूला में क्या होगा कैपिटल जी कितना होता है 6.67 10 टू दी पावर कितना -11 into क्या हो जाएगा 6 into 10 टू दी पावर 24 क्योंकि एम1 हो गया तो कैपिटल जी एम1 और एम क्या हो जाएगा वन और नीचे आर स्क्वायर यानी सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर सिक्स इंटू सिक्स पॉइंट फोर इन टू टेन टू दावर कितना सिक्स ये छः ये छः कितने हो गए बारह और बारह से ये कट गए चौबीस तो कितने बच गए इसमें बारह छः छः बारह बारह हट गए बारह बच गए <coughs> अब देखिए माइनस ग्यारह है प्लस बारह है तो इसमें भी तो एक बचेगा ना माइनस ग्यारह प्लस बारह क्या होता है प्लस वन तो क्या हो जाएगा वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा वन और ए गो और सिक्स यहाँ पर है और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा आपका सिक्स पॉइंट फोर इंटू सिक्स पॉइंट फोर डेसिमल के बाद एक अंक डिसमल के बाद एक अंक देशमल के बाद कितने अंक हो गए दो अंक यहाँ पर ऊपर फिर डेसिमल के बाद दो अंक है तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा मालूम है ना इतना बेसिक मालूम होना चाहिए फिर जब आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से अरेंज करते हो यानी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन पॉइंट तो हट गया है तो सिक्स सिक्स सेवन इंटू सिक्स हो जाएगा और नीचे आप लिख दो सिक्सटी फोर इंटू सिक्सटी फोर और यहाँ पे टेन से मल्टीप्लाई कर दो इसको जब इसे डिवाइड करोगे इतना हल करने के बाद तो कितना आएगा जीरो पॉइंट नाइन एट या नाइन सेवन सेवन ऐसा कुछ आता है तो सिंपल सी बात है टेन से गुना होगा दो स्थान तक अगर हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको नाइन पॉइंट सेवन लिख सकते हैं ना नाइन पॉइंट सेवन सेवन ऐसे है ना और जब इसको हम एक ही पॉइंट तक लिखेंगे तो सेवन जो है, वो 5 से इसलिए क्या हो जाएगा? लिया है ना तो हो क्या? क्या हो जाएगा आपका Newton. यानी देखिए अब ये जो नाइन पॉइंट न्यूटन आया है ये क्या आया है आप देखो उसके पहले साइन नहीं है कुछ तो क्या आया है पॉजिटिव आया है उसके आगे पीछे भी कुछ नहीं लगा हुआ है माइनस वगैरह इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है वो वर्क कर सकता है मैंने क्या बताया आपको वर्क करने के लिए वर्क uh, करने के लिए फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए तभी वो वर्क कर पाता है और यहाँ पे आपने साफ साफ देखा कि ये जो वैल्यू आया है यहाँ पर ये ठीक ठाक मात्रा में है uh, कितना है 9.8 है इतना बड़ा फोर्स वर्क कर पाएगा हाँ बिल्कुल पेड़ पर क्या रहेगा सेव उसको नीचे तोड़ के लेके आ जाएगा जब तो खुद से तोड़ के नहीं लेके आ जाएगा फोर्स लगातार उस पर लगते रहेगा जब उसका जो वो होता है ना वो क्या बोलते हैं जिससे वो जुड़ा हुआ रहता है तना है ना वो जैसे ही वीक होगा क्योंकि पकता है तो वो सड़ जाता है एक तरह से और उसके बाद नीचे वो अपने आप गिर जाएगा तो यही कहानी है अब बढ़ते हैं आगे केस नंबर टू हो गया ये क्या ये फोर्स बहुत ही छोटा होता है या इससे बड़ा भी हो सकता है तो इसका जवाब है फोर्स जो आपको यहां पर दिखा इससे बड़ा भी हो सकता है इतना बड़ा हो सकता है कि सन अर्थ जैसे बड़े ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे घुमा सकता है अपने चारों तरफ इतना वो फोर्स के कारण ही होता है ऐसा है ना लेकिन वो ज़्यादा भी नहीं है बहुत ज़्यादा और बहुत कम भी नहीं है वो एकदम मीडियम साइज उसको हम कह सकते हैं है ना ज़्यादा होने पर क्या हो जाएगा वो यूनिवर्स में खो जाएगा कम होने पर पृथ्वी से टकरा जाएगा या सन से टकरा जाएगा कौन पृथ्वी अर्थ जो है अर्थ पे लगाता है सन ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके कारण वो ऐसे मूव कर रहा है ज़्यादा लगाएगा यूनिवर्स में खो जाएगा कम होगा सन से टकरा जाएगा दोनों में दिक्कत गॉड जो है ना कैलकुलेशन करके ऐसा बनाए हुए हैं कि हम कह सकते हैं कि बड़ा ही अच्छा उन्होंने किया है देखिए इस बार हम क्या करने वाले हैं एक ऑब्जेक्ट जो है एम <coughs> उसको हमने मान लिया है सन है ना <coughs> और उसका मास जो होता है वो हमने मान लिया है कितना मान लिया नहीं हो हो ही है लगभग सिक्स इंटू टेन टू दावर फोर के जी एम टू में हमने क्या सॉरी सन है ना ये तो इसको मैं अर्थ मानना पड़ेगा फिर सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी फोर है तो अर्थ हो जाएगा और एम टू हमने क्या मान लिया है सन को मान लिया है और सिंपल सी बात है कि सन बहुत बड़ा होता है तो ये लगभग कितना बड़ा होगा uh, छोड़िए इससे आसान ले, ले लेते हैं <coughs> मून इसका वैल्यू थोड़ा छोटा आएगा एम टू एम टू हमने क्या मान लिया है आपका मून मान लिया है ठीक है और मून का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन टू कितना ट्वेंटी टू के जी ठीक है और अर्थ का जो सेंटर होगा और मून का जो सेंटर होगा उसके बीच की जो दूरी होगी वो होगी लगभग उसको हम आर मान लेंगे ना तो थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू 22 मीटर के आसपास नहीं होगी ये होगा 22 ज्यादा हो गया भाई 8 मीटर इतना यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो इतना ही होता है 3.84 पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू द पावर कितना 8 इसके बीच में जब आप फोर्स लगाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगाओगे तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे वही करोगे कैपिटल जी एम वन एम टू बाई क्या आर स्क्वायर कैपिटल जी का वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन एंटू टू दावर क्या हो जाएगा माइनस ग्यारह एम वन क्या है सेवन पॉइंट फोर इंटू टेन टू द पावर कितना ट्वेंटी टू एम टू क्या हो जाएगा बताइए अरे एम वन एम टू कोई भी लिख दो भाई उससे कोई दिक्कत थोड़ी आगे पीछे आ, इतना और आर स्क्वायर यानी थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू द पावर एट इंटू थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू द कितना एट मैंने इसको सोल्व किया है सोल्व करने पर कितना आया है थ्री पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू द बताइए ये निगेटिव नहीं होगा पॉजिटिव तो पक्का होगा लेकिन पॉजिटिव भी बहुत बड़ा वैल्यू यानी कितना न्यूटन न्यूटन टू पावर इतना बड़ा फोर्स और ये फोर्स बहुत ही बड़ा है इमेजिनेशन से भी बहुत बड़ा है, है ना इतना बड़ा है कि ये अर्थ जो अर्थ जो है वो मून को झूले की तरह अपने चारों तरफ क्या कर लेती है घुमा लेती है <coughs> देखिए मैं उदाहरण से समझाता हूँ यदि आप वही बता रहा हूँ एक रस्सी लीजिए उसके तरह एक तरफ स्टोन और आपने देखा है ना कि स्टोन जब हम बांधते हैं तो उसका मास पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे मूव करा रहे हो ऐसे गोल गोल घुमाता है ना छोटा मास रहेगा यहाँ पे कम प्रेशर पड़ता है कम फोर्स लगता है मसल्स पे ज्यादा बड़ा है ज़्यादा फोर्स लगेगा और ज्यादा है और ज़्यादा फोर्स लगेगा तो जितना बड़ा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है मास बहुत बड़ा है ना किसका मून का है ना तो बहुत बड़े फोर्स की जरूरत है अपने चारों तरफ मूव कराने के लिए और ये बल जो है वो इतना होता है जो कैपेबल होता है इनको अपने चारों तरफ क्या करने के लिए घुमाने के लिए अपनी तरफ चारों तरफ रिवोल्यूशन कराने के लिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक सवाल पूछा जाता है क्या न्यूटन न्यूटन का न्यूटन से रिलेशन है मैं मतलब हंसी में बोल रहा था ऐसा लेकिन हाँ सच में न्यूटन का न्यूटन से रिलेशन ऐसा मैंने क्या कि देखिए ये तो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ हो गया ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन ये क्या हो गया ग्रेविटेशनल लॉ और इसका रिलेशन जो है वो न्यूटन्स है ना थर्ड लॉ ऑफ क्या मोशन से है ठीक है ना तीन लॉ बताए थे न्यूटन जी ने मोशन से जुड़ा हुआ ना उसमें से जो थर्ड लॉ है उसका रिलेशन यहाँ पर ग्रेविटेशन लॉ से है जुड़ा हुआ कैसे है जुड़ा हुआ तो बड़ा सिंपल सा बात है यहाँ पे क्या है बताइए अर्थ और इस पे क्या है एक पेड़ है इस पेड़ पे क्या है एक सेब है या कोई भी फल है फ्रूट है फ्रूट एप्पल मान लेते हैं है ना सिंपल सी बात है नीचे की तरफ आएगा अनलॉजिकल मत लीजिएगा अर्थ तो इसके साथ पे इस बहुत बड़ा होगा इमेजिनेशन सिर्फ मैंने पेड़ बना दिया है बहुत छोटा है ठीक है तो अर्थ जो है इस पर एक ग्र फोर्स लगाएगा कौन सा फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी और फ्रूट भी इस पर लगाएगा कौन सा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए लगाएगा या नहीं लगाएगा लगाएगा और जब ये लगाता है अर्थ इस फ्रूट पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने नोटिस किया होगा कि वो जो फल है फ्रूट है वो नीचे आ जाता है कहाँ पर अर्थ पे और उसको लूट को हम भाग जाते हैं लूट के भाग जाते हैं ठीक है लेकिन आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर वो फल नीचे आ रहा है तो अर्थ को भी तो फल के पास चला जाना चाहिए है ना अगर ऐसा होने लगे ना तो अर्थ मूवमेंट माने लगेगा क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा जड़ तो वहीं पर रहने वाला है ना सिमिलरली जड़ तो यहीं पर रहेगा तो जड़ नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा तो पेड़ भी जैसे ऐसे अर्थ ऊपर जाएगा पेड़ भी ऊपर ऊपर जाएगा वैसे वैसे शेव भी वैसे ऊपर ऊपर जाएगा और अगर ऐसा सच में होता तो अर्थ हमेशा मूवमेंट करते रहता कहीं ना कहीं क्रैश करता किसी ना किसी से लड़ जाता और हमारा काम सुहा हो जाता रियलिटी में ये वास्ता इसका कुछ नहीं है भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं लेकिन मतलब तो लॉजिकली अगर हम कोई पूछ दे ऐसा कि बताइए फल भी तो लगाता होगा लेकिन वो दिखता क्यों नहीं है वो दिखता क्यों नहीं है तो आपने आपको क्या बताना है आपको बताना है कि देखिए भैया हमने एक पढ़ा हुआ है फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि फोर्स बराबर होता है मास इन तो एक्सल बराबर क्या हो जाएगा फोर्स बाय मास ठीक है तो हमने दोनों का एक्सेलरेशन निकाला हमने एक्सेलरेशन किसका निकाला फ्रूट का हमने एक्सेलरेशन निकाला किसका अर्थ का जब हमने फ्रूट का निकाला तो कितना आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आया हमारा वैल्यू जब हमने इसका एक्सेलरेशन निकाला कैसे जो फोर्स लग रहा है वो उसमें से मास को डिवाइड कर लिया नाइन आया है ना और अर्थ पे जो एक्सेलेशन लग रहा है है ना उसके कोरोस्पॉिंग फोर्स और मास से हमने जब क्योंकि मास इसका ज्यादा है ना और इसका मास क्या है एप्पल का कम है और इसका मास बहुत ज्यादा तो जब अर्थ पे एक्सलेशन जो आएगा ना समझ में आया फोर्स का वैल्यू कॉन्स्टेंट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना एक वस्तु दूसरे पे एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है तो फोर्स का वैल्यू तो दोनों में सेम होगा अरे बोलो हाँ या ना तो बोलोगे यस तो फोर्स का वैल्यू सेम है है ना? <coughs> लेकिन इसका मास कम है है। तो इसका मास कम है और इसका मास क्या है ज्यादा है। तो इसका मास कम और इसका मास ज्यादा तो मास ज्यादा वाला जब किसी को डिवाइड करेगा तो बहुत बुरी तरीके से डिवाइड करेगा ना उसका नहीं समझ में आया वन बाई टेन है थोड़ा ठीक लग रहा है वन बाई दस पे पावर पचास है वन की हालत खराब पचास बार दस पे पावर पचास बार कट 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 मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया है। और एक बटा दस दस ही बार भाई ऐसा होगा तो लॉजिकली बात है पर आएगा पॉजिटिव आएगा क्यों क्योंकि ये ज्यादा है और नीचे वाला मास कम है क्योंकि फ्रूट को मैंने वन लिया है वन यूनिट मान चला है यहां पर वन केजी मान के जी मानकर चला है यहां पर सिंपल सी बात है अर्थ बहुत बड़ा है और ऊपर का वैल्यू क्या है सेम ही है ऊपर का वैल्यू तो दोनों में सेम है तो अर्थ जो का जो आ, क्या होगा, बास होगा। जो सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी फोर होगा जब वो डिवाइड करेगा ऊपर वाले से जब वो डिवाइड करेगा ऊपर वाले से तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी फोर मीटर परसेंट स्क्वायर इतना वैल्यू आएगा जो क्या आएगा निगेटिव आएगा जब ऊपर छोटा हो वैल्यू और नीचे बड़ा हो तो वैल्यू क्या आता है निगेटिव आता है यहां पर वही हुआ फोर्स जो है ना फोर्स जो लगता है सेव पर वो 9.8 न्यूटन लगता है अभी हमने पहले देखा था पहले देखा था पहले तो अर्थ पर भी कितना लगेगा 9.8 न्यूटन लगेगा दोनों का एक्सलरेशन निकालेंगे एक्सलरेशन निकालने के लिए फोर्स बाय मास हम फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स के जगह पर 9.8 लिखेंगे मास के जगह पर वन लिखेंगे तो वन में नाइन से भागा करेंगे तो नाइन मीटर पर मीटर स्क्वायर होगा एक्सलेशन है ना एक्सलेशन निकल गया कहां पर भाई फ्रूट पे कि कितना फ्रूट एक्सेलरेट करेगा और जब कोई भी चीज एक्सेलरेट करता है पॉजिटिव वैल्यू आता है तो वो मोशन शो करता है यहां पर एक्सेलरेशन है ना ऑन अर्थ या अर्थ पे जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा वन पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन टू पॉल माइनस ट्वेंटी लॉजिकल बात होगा ही होगा कैसे ये तो नाइन पॉइंट एट फिक्स है और नीचे सिक्स इंटू टेन टू टू ट्वेंटी फोर है जब वो डिवाइड करेगा ऊपर वाले वैल्यू को तो वन पॉइंट सिक्स थ्री टेन रू पॉवर माइनस ट्वेंटी फोर मीटर पर सेकंड होगा बोलो यस और नॉट बोलोगे हाँ सही आपने कहा तो इनको समझना है इनको दिमाग में रखना है चीज़ें आपके दिमाग में खुद बखुद आ जाएंगी ठीक है अब लॉजिकल बात है ना कि अब फ्रूट में एक्सेलेशन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका एक्सलेशन शो आउट होगा एक्सेलेशन दिखेगा ऑब्जर्व होगा और यहाँ पे इसका एक्सलेशन नहीं दिखेगा क्योंकि ये क्या है माइनस में है माइनस ट्वेंटी फोर वो कभी दिखने वाला नहीं है बातें समझ में आ रही होंगी मुझे लगता है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे और आगे जानते हैं अगले टॉपिक जो है आपका केपलर्स लॉ केपलर्स लॉ तो चलिए तैयार हो जाइए केपलर्स लॉ जानने के लिए केपलर जी ने भी कुछ लॉ दिए जिनको जा बोला जाता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लानरी मोशन यानी प्लानट जो है वो खास तरह के रूल को फॉलो करते हैं इन्होंने ऑब्जर्व किया और उसको उन्होंने लॉ बता दिया है ना? केपलर जी ने कहा कि प्लानिट जो होते हैं वो खास तरह के रूल को फॉलो करते हैं स्पेशली उन्होंने तीन रूल बताया है और उन्हीं तीनों रूलों के रूल्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस पार्ट में इस वीडियो के इस पार्ट में लगभग कब किया था तो सेवनटीन सेंचुरी में किया था 17वीं शताब्दी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो बस इतना दिमाग में रखिए सेवनटीन सेंचुरी में इन्होंने ये बात पता लगाई थी ठीक है इनका पहला जो लॉ था वो क्या था द फर्स्ट लॉ स्टेट डेट फर्स्ट लॉ क्या था है ना एवरी एवरी प्लानिट एवरी प्लानिट रिवोल्स एराउंड एवरी प्लान रिवर्स एराउंड अर्थ है ना अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है इन एन इलिप्टिकल पाथ इलिप्टिकल पाथ किस पाथ uh, पर भाई तो इलिप्ट इलिप्टिकल पाथ पे है ना वेयर जहां पर सन है ना इज सिचुएटेड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी वन ऑफ द फोकी है ना फोकस जो होता है वो सिंगुलर वर्ड है फोकी जो है वो प्लूरा वर्ड है तो वही मैंने फोकी लिखा तो फोकी से घबराना नहीं है फोकस को फोकी कहा जाता है देखिए पिक्चर से समझ में आएगा ज़्यादा एलिप्टिकल इसको कहा जाता है ऐसे पथ को एलिप्टिकल कहा जाता है ठीक है ये जो होता है इसको कहा जाता है मेजर एक्सिस ये जो होता है इसको कहा जाता है माइनर एक्सिस सेंटर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सेंटर कैसे होगा ठीक है एक सेंटर से काम चलेगा नहीं सेंटर उसे कहा जाता है जहां से सबकी दूरियां क्या हो सेम हो, हो पा, पाएगा पॉसिबल नहीं है तो सेंटर यहाँ पर दो दो ले लिया जाता है एक सेंटर यहाँ पे इसको बुलाता है फोकस वन और एक सेंटर यहाँ पे हो गया इसको बोला जाता है फोकस टू और दोनों को साथ में लाओगे तो क्या बोला जाएगा उसको फोकी है ना तो ये कहा गया कि दोनों फोकी में से किसी एक फोकी पे कौन होगा सन होगा मान लो यहाँ पे सन है तो ये यह सन यहां पे होगा और इसके चारों तरफ कौन मूव करेंगे प्लानिट मूव करेंगे है ना ठीक है तो मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सन अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन है तो दोनों में से कहीं एक जगह सन कर रहा है लेकिन फिर भी मन में आ रहा होगा दोनों में से कहीं एक जगह दोनों जगह पॉसिबिलिटी है तो नहीं भाई वो कह रहा है कि रिलेटिवली कैसे देखिएगा उस पर है सन अगर यहाँ पे है ना तो यहाँ पर भी है आप इमेजिनेशन तो करिए इमेजिनेशन से ना समझ में आ रहा है तो ऐसे आइए सन यहाँ पे छोड़ दीजिए अब इसको घुमाइए देखिए ऐसे ऐसे घुमाए और इसे पलट दीजिए इधर में ऐसे तो आप देखिएगा कि सन ऐजा आ गया इमेज करिए अगर जैसे ही आप इसको घुमाइएगा ऐसे और ऐसे पलट दीजिएगा ऐसे सुला दीजिएगा तो ये वाला सन ऐजा ट्रांसफर हो जाएगा अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा इसका मतलब कि अगर सन यहाँ पर है तो यहाँ पर अपने आप है बोलो यस और बोले इसलिए बोला कहीं पर भी मान लीजिए भाई दोनों का मतलब क्या है सेम है अरे आया समझ में ऐसे पलटिए ना तो ये चीज है ना यहाँ पर पहुंच जाएगा ये जो सन है यहां पर पहुंच जाएंगे तो बात वही हो जाएगी तो कोई तकलीफ है आपको ये समझने में बोले सवाल अगला कि एलिप्टिकल पाथ बनता कैसे है तो उसके बनाने का तरीका है एक दो पेन तीन पेंसिल आपको यूज करना पड़ेगा दो पेंसिल ऐसे लीजिए यहाँ पर रखिए है ना धागा से दोनों को ज्वाइन कर लीजिए धागा बड़ा होना चाहिए यानी इतना से इतना ही धागा नहीं रहना चाहिए इसके अलावा एक्स्ट्रा ऐसे लटका हो रहा है नीचे और जो नीचे लटका रहेगा ना ऐसे धागा एक्स्ट्रा उसमें आप पेंसिल फंसा लीजिए और उसको ऐसे ऐसे घुमाइए चारों तरफ और चारों तरफ घुमाइएगा ना तो आपको पाथ एक मिल जाएगा नॉर्मल मैंने समझा दिया है बस आप दिमाग लगा सकते हैं तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ अब बढ़ते हैं आगे सेकेंड लॉ की तरफ सेकेंड लॉ क्या कहता है फर्स्ट लॉ हो गया तो फर्स्ट लो हमने जान लिया कि इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है कौन प्लानट किसके चारों तरफ सन के चारों तरफ और अम, सेकेंड लो क्या कहते हैं ये वो लगभग लगभग सेम तो नहीं कहता है नहीं कुछ अलग होगा सेकेंड लो क्या स्टेट करता है कि ईच एच, एच प्लानट अराउंड द सन ईच प्लानट रिवोल्स अराउंड द सन हर एक प्लानट सन के चारों तरफ क्या होता है मूव करता है इन सच ए वे इन सच ए वे इस तरीके से है ना इन सच ए वे का मतलब क्या होता है है ना इस तरीके से दैट द लाइन ज्वाइंस द प्लान टू द सन द लाइन ज्वाइंस द प्लानट टू दन स्विप्स स्विप्स मतलब होता है कवर करना स्विप्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है ये कहानी है कह रहा है कि दुनिया में कोई भी प्लानेट है वो सब पे लागू होगा इसलिए प्लानिटरी मोशन कहा गया भाई कि लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है तो दुनिया में कोई भी प्लानट है उस पर लागू होगा कोई भी सोलर पैनल है उस पर लागू होगा मतलब एक तो अभी ये पता है हमारा वाला और कोई तो होगा नहीं पता होगा तो ईच प्लानिट जितने भी प्लानिट होते हैं वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं और इस तरीके से मूव करते हैं कि जो प्लान से जुड़ा होता है सन का जिस लाइन से वो जब एरिया कवर करता है स्विप करता है कवर करता है वो हमेशा इक्वल होता है इक्वल इन टवल ऑफ टाइम में ये ध्यान देना है टाइम आपका क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए है ना और टाइम में जब बदलाव नहीं होगा तो एरिया में भी बदलाव नहीं होगा यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है एरिया यहां पर पिक्चर पे पिक्चर के द्वारा समझ में ज्यादा बढ़िया तरीके से आएगा देखिए ये हो जाएगा आपका इलिप्टिकल पाथ मेजर एक्सिस एक्सिस माइनर मान लो सन यहां पे है कोई पे भी मान लेना तो एक मान लिया मैंने यहां पे सन अब यहां पे सपोज कर लेते हैं कि प्लानिट देखिए अगर हम यहां से इस वाले सन की इस वाले सन को लेके चले या इस वाले फोकस को लेके चले तो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिट यदि यहां पे है प्नानट यदि यहाँ पे है तो ये सबसे नज़दीक है बोलो यस और नोट प्लान अगर यहाँ पे है तो सबसे नज़दीक है प्लान अगर यहाँ पे है तो ये सबसे दूर है प्लान यदि नज़दीक है तो यहाँ पे होगा और सबसे दूर कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा और बाकी जगह पर फिर धीरे धीरे कम होते जाता है और दूर होते जाता है वो आपने मतलब ऑब्जर्व कर लिया होगा ऐसे देखने से तो यहाँ पर जो प्लानट है यहाँ पर जो सबसे नजदीक है तो हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि जो सेंट्री पीटल फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो यूनिवर्सली वेरिएटेड होता है किसके डिस्टेंस के स्क्वायर के, के. यानी अगर डिस्टेंस कम होगा तो ई वाला वैल्यू बढ़ेगा अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा तो यहाँ देखिए कम ना है तो कम है तो लॉजिकल बात है कि प्लानेट पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा ज़्यादा होगा तो मान लीजिए दो गुना कम हुआ है तो चार गुना बढ़ जाएगा लॉजिकल बात है भाई समझने वाली बात है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर बोलो ये नॉट बोलोगे हाँ बिल्कुल एकदम अब समझिए थोड़ा सा समझ में आपको आएगा यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो प्लान पे लगने वाला बल क्या होगा ज्यादा और ज्यादा बल लगने से मूवमेंट ज्यादा होता है ज्यादा बल लगने से मूवमेंट ज्यादा तो यहाँ से ये यह प्लानट कहाँ पे आ जाएगा भैया कुछ समय के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा मान लो यहाँ पर यही प्लानट है ना क्योंकि ज्यादा बल लग रहा है देखिए एक लाइन तो यहाँ से सन का जुड़ाव इसके साथ है और एक यहाँ से जुड़ाव कर लीजिए इस तरीके से और ये वाला एरिया हो जाएगा इसके द्वारा कवर एरिया क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अब प्लानिट अब इसके लिए चलिए यहाँ पर सेम प्लान है मान लीजिए लेकिन यह दूरी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ आने में मान लीजिए ये लगा है दो सेकेंड या इसको एक सेकेंड लगा है सपोज सपोज एक सेकंड से कोई लेना देना नहीं मतलब मान लेते एक सेकंड तो एक सेकंड अगर इसमें भी लेंगे हम तो एक सेकंड में यहां से ये ये वाला प्लानट जो है ना मूव करके यहीं पे रहेगा देखिए यहां पे प्लानट रहेगा अब यहां से लाइन ज्वाइन करिए इसको ज्वाइन किया मैंने अब इसके द्वारा जो कवर एरिया है कौन है ये वाला है देखिए ध्यान से देखिए ये वाला है अब लॉजिकली मिलाइए अब आप ये कह है सकते हैं कि दोनों का एरिया क्या है सेम है बोले कई आप मतलब अगर हम इसको एज्यूम कर ले सर्कुलर क्योंकि इलिप्टिकल में तो बता नहीं सकते वैसा उस तरीके से समझा नहीं सकते तो एज्यूम कर लो कि सर्कुलर है सर्कुलर है तो सर्कुलर में अगर बीच में एंगल कितना होता है थ्री सिक्सटी तो इसका मतलब क्या होता है कंप्लीट एरिया एंगल अगर थ्री सिक्सटी है तो पूरे कंप्लीट एरिया को दिखा रहा है अगर एंगल को आधा कर दे मतलब वन एटी कर दे तो क्या हो जाएगा एरिया भी क्या हो जाता है आधा अगर इसको एक चौथाई कर दे तो एरिया भी क्या हो जाता है एक चौथाई हो जाता है उसके बाद अगर हम ऐसा कहे कि ये वाला बताओ एक सर्कल ये है और इसका रेडियस ये है एक सर्कल ये है इसका रेडियस ये है तो किसका आ, किसका रेडियस बड़ा है बोलोगे इसका कौन एरिया ज़्यादा कवर करेगा देखने से पता चल जाएगा कि जिसका रेडियस बड़ा है उसने ज़्यादा एरिया स्विप किया है तो यहाँ पे देख लो यहाँ से यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉजिकल बात है ज़्यादा एरिया स्वीप अप करेगा और ये छोटा है इसमें इसमें रेडियस छोटा है लेकिन इसको क्या किया है एक दूसरे से कंट्रोल किया है कंट्रोल करने का मतलब यह है कि अगर इसका एरिया बढ़ रहा था रेडियस के कारण तो इसका रेडियस क्या हो गया छोटा तो इसका एरिया क्या हो गया कम होने लगा तो दिक्कत हो जाता तो फिर देखिए यहां पर जो एंगल बन रहा है यहां से सॉरी हम यहां से मिला दिए थे ये सेंटर से मिलेगा यहीं से मिलेगा ये वाला नीचे वाला तो यहां पे जो एरिया यहां पे जो एंगल बनेगा ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या है छोटा है और ये वाला एंगल क्या है बहुत बड़ा है इसके रिस्पेक्टिव में तो इसका रेडियस बड़ा तो एंगल छोटा इसका रेडियस छोटा तो एंगल क्या बड़ा तो कंबाइंड इफेक्ट दोनों का क्या होगा एरिया क्या होगा सेम होगा बातें समझ में आ रही हैं तो ईच अराउंड द द द सन इन सच वे लाइन द रिट टू द सन स्विप्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी ठीक है ना तो दैट इज द सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रुका हुआ हूँ थर्ड लॉ बताने के लिए उसको बताया जाएगा अच्छे तरीके से सेकेंड लॉ हो गया वी गो फॉर द थर्ड लॉ ठीक है अब यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट सॉरी के प्लस थर्ड लॉ के प्लस थर्ड लॉ के प्लस थर्ड लॉ तो इनका कहना है क्या कहना है थर्ड लॉ में कि ये अगर ऐसा है और मान लेते हैं सन यहाँ पे है ठीक है ना यहाँ पर ये जो थर्ड लॉ है इसमें हम यही समझ रहे हैं कि जो डिस्टेंस होगा सन का किसके साथ प्लानट के साथ है ना उसको हम क्या बोलेंगे आर से नोट करेंगे ना तो एक हो जाएगा आपका लॉजिकल बात है कि एक होगा मिनिमम एक होगा क्या मैक्सिमम प्लानिट जो है रिवॉल्व करता है ना तो इसको आप इस तरीके से समझिए अगर हम इसको इलिप्टिकल पाथ पे ही समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा नहीं तो फिर समझाते समझाते हालत ख़राब हो जाती है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मान लीजिए सन यहाँ पर तो यहाँ पे जब प्लानिट रहेगा तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगा यहाँ पे रहेगा तो क्या करेगा मिनिमम करेगा कौन सा डिस्टेंस लिया जाएगा कोई नहीं तो क्या लेते हैं मीन डिस्टेंस और मीन डिस्टेंस क्या होता है वो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस प्लस मिनिमम डिस्टेंस और उसमें किससे डिवाइड करते हैं दो से तो क्या आ जाता है मीन डिस्टेंस अरे बोलो यस और नॉट तो मीन डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस प्लस मिनिमम डिस्टेंस बाई टू तो मीन डिस्टेंस को डिनोट किससे किया जाता है तो लॉजिकल बात है हर एक चीज को आर से डिनोट किया जाता है तो आर हो जाएगा तो मान के चलिए कि आर जो है वो मीन डिस्टेंस है बोलिए समस्या है आपको आर जो है क्या है मीन डिस्टेंस है और उसके बाद टाइम पीरियड है ना और ये क्या है भाई रिवॉल्यूशन टाइम है यानी वो जो प्लानट है जिसका मीन डिस्टेंस यहां निकाला गया उसका रिवॉल्यूशन टाइम है रिवॉल्यूशन टाइम का मतलब कि सन को है ना चारों तरफ घूमने में उसको कितना समय लगता है इसके बीच में उन्होंने रिलेशन बताया किसने केपलर जी ने कहा क्या कहा कि स्क्वायर ऑफ द रिवोल्यूशन टाइम तो रिवोल्यूशन टाइम का यूनिट मतलब सिंबल क्या होगा टी uh, उसका स्क्वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मीन डिस्टेंस के क्यूब का है ना टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका आर क्यूब का उन्होंने ये कहा और उन्होंने ये भी कहा कि ये भी हो सकता है अगर इसको पलट दे तो यानी आर क्यूब जो होगा वो टी का स्क्वायर भी हो सकता है ठीक है अब देखिए ध्यान से आर क्यूब यहीं पे रहेगा ये वाला साइन क्या होगा बराबर बराबर होने पे क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट होता है ना मालूम है है ना कांस्टेंट एक वैल्यू लिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर ये वाला के लिए कॉन्स्टेंट है ना क्योंकि एक खास रेशियो में बढ़ रहा था तो इस वैल्यू को हटा करके बराबर यहां पे वही जो खास वैल्यू होता है जो जिस तरीके से वो बढ़ता है वो कांस्टेंट ले लिया जाता है तो आर क्यू बाई बराबर तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना आर क्यू बाई क्या टी स्क्वायर और इधर क्या लिख देंगे कॉन्स्टेंट बोलिए यानी किसी भी प्लानिट का किसी भी प्लानिट का यदि मीन डिस्टेंस का क्यूब निकालते हैं मीन डिस्टेंस का क्यूब यानी तीन बार गुना करते हैं और उनके रिवोल्यूशन टाइम का स्क्वायर करते हैं और उसको आपस में डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू आता है वो हमेशा कॉन्स्टेंट आता है चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्स में चले जाएँ एक ही यूनिवर्स है तो किसी भी सोलर फैमिली में आप चले जाएँ किसी भी प्लानट पर ये लागू करें तो ये लागू होगा क्या लागू होगा आर क्यू बाई टी हमेशा कॉन्स्टेंट होगा चाहे वो मरकरी हो चाहे वो फिटकरी हो फिटकरी नहीं चाहे वो मार्स हो चाहे वो अर्थ हो चाहे वो कुछ भी हो सब पे ये नियम लागू होता है कौन सा नियम कि आर क्यू बाई टी हमेशा क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है बोलो कोई समस्या यहाँ तक मुझे नहीं लगती है कि आपको कोई समस्या यहाँ पर हो रही होगी ठीक है कोई तकलीफ नहीं अब बढ़ते हैं आगे देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर ध्यान दीजिएगा ऐसा माना जाता है क्या माना जाता है और ऐसा सब लोग जानते हैं ऐसा कहा जाता है क्या कहा जाता है कि केपलर्स के थर्ड लॉ का यूज किया गया था न्यूटन के लॉ को डिस्क्राइब करने में ठीक है तो केपलर जी का लॉ अभी हमने पढ़ा क्या था आर क्यूब बाई टी स्क्वायर बराबर क्या कांस्टेंट और इससे क्या लाया गया था इसकी सहायता से क्या लाया गया था ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर इसको कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ याद रखिएगा इसका खास नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ तो कांस्टेंट से ये था ना ग्रेविटेशन में तो इससे ये लाया गया था इसकी मदद से लाया गया था कैसे लाया गया था ये हम जानने वाले हैं ठीक है सबसे पहले आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए एक बेसिक बात और वो बात ये कि सेंटर से फोर्स लगता है यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको साबित करने के लिए न्यूटन जी ने जो इलिप्टिकल पाथ है उसको सर्कुलर मान के उन्होंने ऐसा किया था कैसा माना था सर्कुलर तो जब सर्कुलर माना है तो सिंपल सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लगेगा एज्यूम कर लिया था सर्कुलर पाथ है ना तो यहाँ से लगेगा यहाँ पे प्लैनेट था यहाँ पे क्या था सन था यहाँ पे सन जी है यहाँ पे प्लैनेट जी हैं और लगेगा बल ठीक है तो जो है वो उन्होंने ऐसा कर लिया कि भाई सर्कुलर पाथ है तो सेंटिप्यूटल फोर्स लगेगा और सेंटिप्यूटल फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है ठीक है ना ये आपको दिमाग में रखना है एम बी स्क्वायर बाई क्या आर एम बी स्क्वायर बाई आर आर क्या है आर क्या है मीन डिस्टेंस एम क्या है मास भी क्या है इस प्लानिट का वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है ठीक है और आर प्लानिट का सन से मीन डिस्टेंस या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा तो इसके थ्रू उन्होंने मतलब सेंटीपीटर फोर्स निकाला और इसके थ्रू उन्होंने पता लगाया और भी बातें इसको आप इक्वेशन वन मान सकते हैं उसके बाद हम अगर हम आगे जाएं तो हम ये कह सकते हैं देखिए अब ध्यान से हमें मास की ज़रूरत है ठीक है क्योंकि सिंपल सी बात है आर स्क्वायर है और उसमें मास भी होता है ना ग्रेविटेशन फोर्स में तो मास ठीक है काम दे देगा आर की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हाँ ये भी जो है ना एक्स्ट्रा लग रहा है तो भी को हटाना पड़ेगा भी कैसे हटा सकते हैं अगर सर्कुलर पाथ में भी हटाना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी या स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है ये हमने पढ़ा है ठीक है तो यहाँ पे ये वेलोसिटी है स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस क्या होगा इस प्लानेट के द्वारा तय की गई दूरी सर्कुलर पाथ में क्या होता है मैथ्स पढ़ा होगा पता होगा टू पाई आर और नीचे क्या हो जाएगा आपका टाइम कुछ तकलीफ है आपको समझने में ठीक है अब यहाँ पे मुझे भी स्क्वायर चाहिए ना कि भी तो इधर हम स्क्वायर कर देंगे और इधर करेंगे तो इधर नहीं करेंगे तो, नहीं करेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर तो ये हो गया आपका किसका वैल्यू भी स्क्वायर का वैल्यू भी का वैल्यू क्या आया फोर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर कोई समस्या हमको नहीं लगता है कि कोई समस्या हो रही होगी इतना जानने में कोई तकलीफ कोई समस्या यहां तक नहीं हो रही होगी यही आशा है अब आगे बढ़ते हैं देखिए अब ये इक्वेशन वन है और इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे टू अब एक रहा उठाएंगे यहाँ बजाड़ेंगे मतलब इसमें रखेंगे तो सेंट्री पीटल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा एम भी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखा जा सकता है फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और बाई क्या टी स्क्वायर बोलेगा कोई समस्या ही नहीं है यहाँ तक अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे आर स्क्वायर है और मुझे लाना क्या है आर क्यूब तो आर स्क्वायर में किससे गुना करेंगे आर से तो नीचे भी आर से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तब जाकर के समस्या का निवारण होगा है ना और ये हो गया एम भी स्क्वायर रखा मैंने यहां पर और उसके बाद देखिए नीचे आर है इसमें और ऑलडी फॉर्मूला में सब में आर है ना नीचे वाला आर छूट गया था ये तो मैंने आर स्क्वायर को आर क्यों बना के आर से गुना की आर से भाग किया ये वाला आर फॉर्मूला में था सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर समस्या नहीं हो रही होगी <coughs> सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या होगा बंधु बताओ यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे आर स्क्वायर में आर से गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ आर क्यूब हो जाएगा पहले इस पर आ जाओ आर क्यूब हो गया और नीचे क्या हो गया आपका टी स्क्वायर उसके बाद बचा क्या आपका फोर फिर क्या बचा पाई स्क्वायर फिर क्या बचा एम बचा ना इतना और इन टू लास्ट में क्या बचा हुआ है एक आर ये बचा हुआ है देखो इसका यूज नहीं है एक आर इसका यूज नहीं है तो ये दोनों आर मिल करके क्या हो जाएगा वन बाई आर स्क्वायर अब ध्यान से देखो इसको हमने क्या मान लिया था कॉन्स्टेंट के प्लर्स यहाँ पे ध्यान दीजिए फोर क्या है कांस्टेंट है मैथ्स में हमने पढ़ा है है ना पाई क्या होता है कांस्टेंट मास क्या होता है कांस्टेंट और ये जब सब कांस्टेंट है तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं सेंट्रिक फोर्स बराबर क्या बताइए कॉन्स्टेंट आई इन टू वन बाई क्या आर स्क्वायर कोई समस्या बिल्कुल नहीं सबके बदले में कॉन्स्टेंट क्योंकि सब कॉन्स्टेंट तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शन को साइन को हटाते थे और बराबर लाते थे तो कांस्टेंट हम लिखते थे और यहां पे कांस्टेंट को हटाना है तो हम ये वाला साइन हटा करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दे देंगे यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल का तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये वाला साइन हटेगा और ये वाला साइन आ जाएगा अपने आप क्या हो जाएगा हट जाएगा और क्या हो जाएगा वन बाई आर स्क्वायर और मुझे लगता है कि यही को लाना था देखो यहां पर अब लोग ये तो सेंट्रिपिटल फोर्स है तो सेंटिपिटल फोर्स ही तो ग्रेविटेशन फोर्स होता है तो वन बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर यही है आपका प्रूवन है ना यानी के थर्ड लॉ का यूज किया गया था ग्रेविटेशनल या इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्राप्त करने में ज्ञात करने में मुझे लगता है यहाँ तक कोई समस्या नहीं हो रही होगी ठीक है कोई तकलीफ है तो आप बता सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन है जिसको सोल्व किया जा सकता है बट मुझे लगता है कि पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उसके बाद फिर क्वेश्चन सारा हल हो जाएगा एक वीडियो उसका बना दिया जाएगा खास इसमें क्वेश्चन आपका सोल्व हो ठीक है फिर से एक सवाल जो मैं पूछूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि ग्रेविटेशन का मतलब होता है दुनिया में कोई भी दो वस्तु हो जिसके पास क्या हो मास हो यदि वो एक दूसरे पर बल लगाता है तो उसे कहा जाता है क्या ग्रेविटेशन फोर्स और यदि उसमें से एक अर्थ हो तो उसे क्या कहा जाता है ग्रेविटी कहा जाता है ठीक है इतना मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका फ्री फॉल फ्री फॉल नाम में ही छुपा हुआ है जब कोई फॉल करे फॉल करने का मतलब ऊपर <coughs> से नीचे गिर जाए फॉल और जब फ्रीली गिरे फ्रीली मतलब कोई फोर्स काम ना करे लेकिन यहां पर एक फोर्स काम करेगा वो है अर्थ का फोर्स और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्री फॉल बोलते हैं ठीक है तो <coughs> हम फ्री फॉल का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं ए बॉडी है ना फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ ठीक है ना ए बॉडी फॉलिंग towards द अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ क्या ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जिसमें सिर्फ एक फोर्स काम करता है और उसका नाम क्या है ग्रेविटी तब उसे हम क्या बोलते हैं फ्री फॉल यहां पर यह अर्थ का सरफेस है यहाँ पे बिल्डिंग है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जब इसको थ्रो किया गया तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आएगा ना नीचे में है है ना और बीच में से अगर कोई चीज और नहीं रहेगा मतलब रहना क्या चाहिए एयर रजिस्टेंस रहना चाहिए ना एयर रजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बताइए ड्रैग बोलते हैं ना और ड्रैग मतलब क्या फ्रिक्शन होता है ये तीनों का मतलब एक ही होता है कोई भी चीज को ऊपर से नीचे फेंकेगा रास्ते में एयर पड़ता है एयर उसको ऊपर की तरफ क्या करता है प्रेशर डालता है फोर्स लगाता है उसी को एयर रेजिस्टेंस कहते हैं उसी को फ्रिक्शन कहा जाता है फ्रिक्शन का काम क्या है विरोध करना मोशन का कर, तो विरोध करता है वह देट इज़ नोट एल सो फ्रिक्शन लेकिन जब कोई भी फ्लड लगाता है ना चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो और जब वो फ्रिक्शन uh, लगाता है तो उसका स्पेशल नाम दिया है तो उसको बोलता है ड्रैग तो वही ड्रैग लग रहा है ड्रैग लगने से क्या होगा वस्तु का जो रफ्तार है वो कम हो जाएगा है ना यदि <coughs> उसका सर्फेस एरिया क्या हो ज़्यादा हो उसका सर्फेस एरिया क्या हो ज़्यादा हो बातें समझ में आ रही हैं ठीक है तो इसमें जो बॉडी होता है जो गिरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी बोलते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी यानी वस्तु जो है वो फ्री तरीके से वो नीचे फॉल करी है दैट मीन्स द फ्री फॉलिंग बॉडी है ना और <coughs> सिंपल सी बात है इस वाले बॉडी में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है नो डायरेक्शन चेंज नो चेंज इन डायरेक्शन ऐसा लिख सकते हैं वो सिर्फ अर्थ की तरफ आ रहा है डायरेक्शन चेंज कब होगा जब फोर्स लगेगा कोई दूसरा और यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है सिर्फ ग्रेविटी लगेगा तो नो चेंज इन डायरेक्शन डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा है ना और कब भाई कि जब कोई भी वस्तु नीचे आएगा सिर्फ उस पर क्या लगेगा ग्रेविटी लगेगा नीचे अर्थ है ना ये अर्थ है तो सिर्फ ग्रेविटी लगाएगा और एयर रेजिस्टेंस डेगा और फ्रिक्शन नहीं लगेगा ठीक है तब उसे हम क्या बोलते हैं फ्री फॉल बोलते हैं ठीक है तो ऐसा कहना था कि जब एयर रजिस्टेंस ना रहे अगर एयर रजिस्टेंस ना रहे डेली लाइफ में हम क्या करते हैं डेली लाइफ में अगर मान लीजिए एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पे एक आपका सिक्का है क्वाइन है और एक और बिल्डिंग वही बिल्डिंग सपोज और उसी बिल्डिंग पे हम यहां पर एक मोर का पंख या फेदर लिए हुए हैं या यहां पर हम पतंग लिए हुए हैं कोई भी चीज तो यहां पर हम फेदर लेके चलते हैं फेदर लिए हुए हैं अगर इसको ड्रॉप डाउन करते हैं नीचे की तरफ टूअर्ड्स अर्थ तो आपको डेली लाइफ में क्या होता है क्वाइन बहुत ही कम समय में नीचे आता है स्ट्राइक कर लेता है धरती को है ना और ये जो फेदर होगा ये बहुत ज़्यादा समय लेता है है ना नीचे आने में तो डेली लाइफ में कौन पहले आता है क्वाइन और बाद में कौन आता है फेदर है ना और इससे हमें ये जानकारी मिल जाती है हम ये समझ लेते हैं कि जिसका मास ज़्यादा है वो पहले आया है और जिसका मास कम है है ना जिसका मास क्या है कम है जिसका मास कम है वो बाद में आया है <differing noise> ये हमारे डेली लाइफ का ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन था इसको आ, जा किसने जाना ये डेली लाइफ का ऑब्जर्वेशन को किसने जाना पहले गैलेलियो जी ने और उन्होंने लोगों लो को बताया कि जो आप जो आए, मतलब समझते हैं या जो मानते हैं वो आप गलत मानते हैं है जो ना जो आप मानते हैं वो आप गलत मानते हैं है ना यानी उनके कहने का अर्थ ये था कि जो ऑब्जेक्ट फॉल करता है जो फ्री फॉल करता है फ्री फॉल करता है फ्री फॉलिंग बॉडी कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी अगर होता है है ना <laughs> उसमें एक्सलरेशन प्रोड्यूस होता है एक्सलेशन का मतलब जानते हो ना चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी बार बार बदलेगा वेलोसिटी बार बार बदलेगा एक जीरो एक्सेलेशन होता है है ना लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है यूनिफॉर्म एक्सलेशन ये पढ़ा होगा आपने पहले तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसमें एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा और वो जो एक्सलरेशन होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है नहीं करता है नहीं करता है मास ज्यादा तो एक्सरेशन ज्यादा नहीं मास कम तो एक्सरेशन कम नहीं उनका कहना था कि सब बातें जो है मिथ्या है मेरी बात सिर्फ सत्य है लोगों ने कहा सबूत दीजिए नहीं तो बातें तो लोग बहुत बनाते हैं हम आपकी बातें कैसे माने उन्होंने कहा कि देखिए लेबोरेटरी में तो हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं एक जगह है जहां हम प्रूफ कर सकते हैं एगो मीनार है जिसको हम लोग बोलते हैं <coughs> टावर ऑफ पिसा है ना पिसा की मीनार टावर ऑफ पिसा है ना ये एक मीनार था जो कुछ एंगल पर हमेशा झुकता था हर एक साल छोटा छोटा कम कम है ना इस मीनार पे उन्होंने दो अलग अलग यानी एक का मास था कैपिटल एम एक का मास था स्मॉल एम उन्होंने मतलब अलग अलग मास एक का दस के जी एक का पांच के जी और उन्होंने देखा गिरा करके तो उन्होंने ये देखा कि भाई दोनों जो मासज के ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम पर क्या नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करते हैं है ना और यही एक जगह था जहाँ से वो प्रूफ कर सकते थे उन्होंने प्रूफ किया अब यहाँ पे इसके अभी भाई एक अजूबा टाइप हो गया क्यों है क्या है उसके बारे में आप जान लीजिए तत्काल ये समझिए कि दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग था और दोनों ने सेम टाइम पे यहाँ पे स्ट्राइक करा है मतलब यहाँ पर एक तरह से ये जो सिचुएशन था ये जो जगह था यहाँ पर एयर रजिस्टेंस क्या था न के बराबर एयर रजिस्टेंस यहाँ पर क्या था नहीं था वो पता नहीं एंगल के कारण या क्या कारण है वो आप खुद से पता कर लीजिएगा पढ़ के लेकिन यहाँ पे उन्होंने प्रयोग के द्वारा दिखाया क्योंकि उस समय उनके पास लैब वाला कोई वैसा मैन्यूल नहीं था उस तरीके से है ना ये लैब के लिए उनके पास सहूलियत नहीं होगी उस समय उतना ज्यादा मतलब क्या बोल सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था उन्होंने जगह चुना और पृथ्वी पर लाइफ डेमो देकर के उन्होंने दिखाया लोगों को कहा कि ठीक है आपने कहा अच्छी बात है है ना तो बाद में बाद में आप कह सकते हैं कि ये बातें तो दोनों पहले से जानता था लोग कि गैलीलियो जी ने कहा है लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल याद रखना पड़ेगा आपको रॉबर्ट बुआल उन्होंने कहा कि ये जो बातें गैलीलियो जी ने बताई हैं वो बहुत ही ज्यादा सही हैं है, है ना और ये उन्होंने प्रूफ कर दिया कैसे एक्सपेरिमेंटली क्योंकि जब तक एक्सपेरिमेंटली आप नहीं करते हैं डाउट लोगों को होते रहता है तो यहाँ पर उन्होंने कहा क्या कहा कि देखिए हम जान गए हैं एकदम सच उन्होंने कहा है उन्होंने एक ऐसा ग्लास कंटेनर रखा उसमें उन्होंने यहाँ पे क्वाइन रखा यहाँ पे फेदर रखा और यहां से नीचे से उन्होंने यहाँ से वैकम क्रिएट कर दिया वैकम इसके अंदर वैकम है वैकम का मतलब होता है जहां पर हवा न और वैकम क्रिएट करने के बाद यहाँ से वो जब नीचे आने लगा तो देखा ये गया कि दोनों ने सेम टाइम पर ग्राउंड को क्या किया है स्ट्राइक किया है मतलब एक्सलेशन जो है वो इन दोनों में क्या था सेम था कैसा था भाई तो यूनिफॉर्म था कैसा था यूनिफॉर्म था तो इससे ये साबित हो गया कि यदि एयर रेजिस्टेंस ना रहे एयर रेजिस्टेंस ना रहे तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सलरेशन होता है जो वो स्पीड चेंज करता है उसका कोई भी रिलेशन उसके मास के साथ नहीं होता है किसके साथ नहीं होता है मास मास्क नहीं मास के साथ नहीं होता है मुझे लगता है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी अब बढ़ते हैं आगे देखिए अब हम लोग जानने वाले हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी ठीक है तो हमने ये जान लिया कि अर्थ जितना बल लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे उतना ही बल लगाता है, है ना और वो जो फोर्स होता है उसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है मास इन टू पे इस पे डिपेंड करता है बोलो कोई समस्या ठीक है फोर्स बराबर मास इन टू एक्सलरेशन तो जितना फोर्स अर्थ लगाता है उस ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट भी है ना इस पे लगाता है इस पर बताइए ये पहले जान लीजिए कि ये स्मॉल जी क्या है स्मॉल जी क्या है स्मॉल जी, जी क्या है ये मैंने नहीं बताया है अभी तत्काल मैं इसको बता देना चाहूंगा स्मॉल जी जो है वो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तब जाकर समझ में आपको आएगा ना ये एक प्रकार का एक्सरेशन है जो कैसा है यूनिफॉर्म है और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेविटी के कारण जो एक्सरेशन प्रोड्यूस होता है उसे एक्सरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और उसको डिनोट किससे किया जाता है स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है है ना स्मॉल जी से इसका वैल्यू क्या होता है वो आगे जानेंगे तत्काल ये समझिए कि कैपिटल एफ जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है मास इन टू एक्सलरेशन है ना मास टू एक्सलरेशन तो एक्सलेशन बराबर क्या हो जाएगा बताइए एक्सलेशन का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा मास फोर्स होगा वहां पर और नीचे क्या हो जाएगा आपका एम बोलो हाँ ना फोर्स यहीं पर आ जाएगा एम गुना में भागा में अब देखो जी जो है क्या है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मतलब सिंपल सी बात है एक्सलरेशन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल जी क्योंकि सिंपल होता है

यानी जितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगा है उतना ही वो अर्थ पे भी लगाएगा है ना यानी दोनों का फोर्स का वैल्यू क्या होगा सेम होगा यानी ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसका वैल्यू जो होगा वो इस वाले के क्या होगा पर हम इसको स्टेबल कर सकते हो कि दोनों बराबर है, है ना न्यूटन थर्ड लो इस वाले को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा स्मॉल जी यहीं पर रहेगा इस वाले के जगह पे हम क्या लिखेंगे कैपिटल जी एम वन एम टू बाई क्या स्क्वायर और नीचे क्या है उस ऑब्जेक्ट का मास है ना और ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो यानी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका वैल्यू कैसे निकलेगा कैपिटल जी कैपिटल एम लिख देते हैं जगह पे कैपिटल M किसके लिए अर्थ के लिए और नीचे क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर क्योंकि स्मॉल एम तो दोनों कट गया यानी ऑब्जेक्ट का तो मास कट गया भैया है. है ना लेकिन बच गया किसका मास अर्थ का तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल जी कैपिटल एम और नीचे क्या होता है आपका आर स्क्वायर बोलिए कोई समस्या यहाँ तक है ना कैपिटल जी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंट टेन दू पावर ग्यारह सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी फोर और आर का मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा है ना यानी रेडियस ऑफ अर्थ जब लग गया है इसका मतलब कि ये जो कैपिटल जी होगा इसका वैल्यू जो भी आएगा वो किसके लिए है सिर्फ सरफेस के लिए है सर्फेस ऑफ अर्थ के लिए है यानी अर्थ पे जो चिपका रहेगा वो या कुछ दूरी पर रह सकता है तो वो भी मैनेज हो जाता है यानी अगर कोई पेड़ पे है लटका हुआ सेब उस पर बिल्डिंग पे खड़ा कोई आदमी है उस पर वहां तक एप्लीकेबल है, है उससे ज्यादा हाइट जाने पर एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू घटते जाता है क्योंकि इसका वैल्यू बढ़ते जाता है ये बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घट जाता है वो हम बात करेंगे अब आपके मन में आ रहा होगा कि स्मॉल जी का वैल्यू पता चल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा बिल्कुल स्मॉल जी का वैल्यू आप पता लगा सकते हैं कैसे पता लगा सकते हैं तो अभी तो आपने जाना फॉर्मूला स्मॉल जी बराबर हमने जान लिया कैपिटल जी कैपिटल एम बटा क्या आर स्क्वायर कैपिटल जी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन टू टेन टू दी पावर माइनस इलेवन कैपिटल एम सिक्स टू पावर क्या हो जाएगा सिक्स इंटू टेन टू द ट्वेंटी फोर आर क्या हो जाएगा सिक्स पॉइंट फोर इन टू टेन टू क्या सिक्स इंटू सिक्स फोर इंटू टेन टू पावर क्या सिक्स है ना और जब इसको आप सोल्व करिएगा पहले भी सोल्व किया है आपने आपका वैल्यू कितना आएगा नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज क्या है आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होता है कहां पर अर्थ के सरफेस के पास है ना और इस फॉर्मूला में आप देखो ध्यान से कहीं पर भी का नहीं, है. का है? नहीं. के पे एक्सलेशन तो किसी भी वस्तु का डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर उसका वैल्यू कितना आ गया आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कोई समस्या आपको यहां तक मुझे नहीं लगती हो कि मुझे नहीं लगता है कि आपको हो रही होगी और आप जानते हैं कि क्या स्मॉल जी का वैल्यू स्मॉल जी मतलब acceleration due to gravity का value हर जगह समान होता है क्या हमने ये जान लिया कि जो सरफेस ऑफ अर्थ होता है वहां पर जो वैल्यू होता है स्मॉल जी का वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या यही वैल्यू हर जगह एप्लीकेबल है तो जवाब आपका आना चाहिए नहीं हर जगह पर सेम अप्लीकेबल नहीं होता है वैल्यू क्यों नहीं होता है तो उस पर डिपेंड करता है क्या भाई अर्थ का सेप है अर्थ का सेप कैसा है यह निर्धारित करता है इसका वैल्यू अर्थ सेप ठीक है ना कैसे निर्धारित करता है तो यदि हम अर्थ के सेप को देखे तो वो पूर्ण रूपे न गोल नहीं होता है ठीक है वो थोड़ा सा चपटा होता है पोल्स के पास पोल्स कहां पर होता है एक हो गया ये पोल नॉर्थ पोल और यह हो जाएगा आपका साउथ पोल ठीक है साउथ पोल नॉर्थ पोल और यहां पर एक लाइन दिख रही होगी इसे इक्वेटर कहा जाता है ठीक है कहानी समझ में आ रही होगी तो इस सेप पर डिपेंड करता है किसका वैल्यू स्मॉल जी का वैल्यू स्मॉल जी का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या आपको प्राप्त हुआ है कैपिटल जी कैपिटल एम बटा क्या आर स्क्वायर यह आपको पता है अब ध्यान से देखिए यदि हम यहाँ से यहाँ तक बात करें पोल से लेकर के अर्थ के सेंटर तक तो इसे कहा जाता है पोलर रेडियस क्या कहा जाता है पोलर रेडियस और सेंटर से ये जो इक्वेटर वाला भाग होता है इसे कहा जाता है इक्विटोरियल रेडियस अगर पिक्चर को ध्यान से आप देखें तो आप ये पाएंगे कि पोलर रेडियस से बड़ा इक्विटोरियल रेडियस होता है है ना और ये बताने की जरूरत नहीं है इधर से अगर चपटा है ऊपर नीचे से तो ये लंबा होगा और ये छोटा होगा ठीक है इतना समझ लेना है अब आगे बढ़ते हैं यदि हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पे जो हम निकालेंगे यदि हम पोल्स पे जब G निकालेंगे तो क्या लिखेंगे स्मॉल g एट p यानी पोल्स क्या होगा कैपिटल g कैपिटल m क्या रेडियस इक्वेटोरियल रेडियस एट पोल और उसका क्या हो जाएगा हॉल स्क्वायर ये हो जाएगा पहला इक्वेशन फिर जी निकालेंगे कहां पर इक्वेटर पर फॉर्मूला क्या लगेगा कैपिटल जी कैपिटल एम और यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर और यहां पे हो जाएगा ई और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर दैट इज द सेकंड इक्वेशन अब अगर हम तुलना करें तो हम ये पाते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है जिसका ये बड़ा होता है उसका ये वैल्यू वैल्यू छोटा हो जाता है और ये जो छोटा होता है उसका वैल्यू ये बड़ा हो जाता है लॉजिकली समझिए यदि ये फाइव टाइम्स बढ़ेगा तो ये ट्वेंटी फाइव टाइम्स घटेगा स्क्वायर है और यूनिवर्सली है और यदि ये फाइव से छोटा टू तो अगर ये टू टाइम्स बढ़ेगा तो ये फोर टाइम्स घटेगा ये ट्वेंटी फाइव टाइम्स घटा या फोर टाइम्स घटा तो किसका वैल्यू ज्यादा रह गया इसका वैल्यू ज्यादा क्योंकि पहले से तो सेम था लेकिन ये फोर टाइम्स घटा और ट्वेंटी फाइव टाइम्स घट गया रीजन इसके पीछे क्या था कि ये बड़ा था और ये छोटा था तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं हम यहां लिख सकते हैं बिकॉज क्योंकि आर ई -E जो है वो बड़ा है किससे आर पी से तो हम ये कह सकते हैं कि जी जो होगा पोल्स पे वो बड़ा होगा जी ऑन इक्वेटर यानी पोल्स पे स्मॉल जी का वैल्यू बड़ा होता है और यहाँ पर इक्वेटर पे क्या होता है कम होता है तो किसी भी वस्तु का यदि वेट मापिएगा तो पोल्स पे ज़्यादा होगा और इक्वेटर पे कम होगा कैसे वेट जब पता वेट जब वेट पे बात करेंगे तो बता लगा लेंगे हम इसके बारे में अभी नॉर्मली समझिए कि स्मॉल जी का वैल्यू जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पर वेट भी ज़्यादा होता है और जहाँ पे कम होता है वहाँ पे कम होता है लॉजिकल बात ठीक है बातें आपको समझ में आ रही होंगी ठीक है हो हो गया आपको अकॉर्डिंग uh, टू किसके shape की बात हो रही है? तो जवाब आया भाई हम अर्थ के की बात कर रहे हैं है ना अब आगे बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड क्या जी के वैल्यू पर है ना एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई का भी प्रभाव होता है एल्टीट्यूड का भी प्रभाव होता है तो जवाब आएगा हाँ होता है यानी हम बात कर रहे हैं किसका हाइट का ठीक है तो समझिए इसको यहाँ पे क्या है ये अर्थ है यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह क्या हो जाएगा हाइट ये क्या हो जाएगा उसका सेंटर और सेंटर से यहाँ तक क्या हो जाएगा रेडियस तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ठीक है दो ऑब्जेक्ट हो गए अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट तो दोनों को सिमिलर कर देते हैं तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा यानी इसका मास अगर एम एम है 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 तो इसका भी मास क्या यानी अगर ये टेन के जी का है तो ये भी क्या है टेन के जी का है यदि हम जी निकाले किसका निकाले इसका तो इसको मान लीजिए हम जी कहते हैं सॉरी इसको हम जी कहते हैं ना जो सर्फेस के पास रहता है स्मॉल जी तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं जी डैश दे देते हैं क्योंकि सिमिलर नहीं आएगा सरफेस पर स्मॉल जी का वैल्यू नाइन पॉइंट एट होता है जैसे इस हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे, वैसे कम होता है तो सेव को हम, हम निग्लिबल हाइट ले लेते हैं सेव जब रहता है ना पेड़ पर तो निग्लिबल हाइट इसलिए उस पर हम यही वाला जी वैल्यू का इसका ही जी का हम वैल्यू पुट करते हैं तो स्मॉल जी जो होगा वो कैसे निकलता है कैपिटल जी कैपिटल एम बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डैश द मेन फॉर्मूला और यहाँ के लिए यही आर होगा अगर हम जी डैस निकालें तो बाकी सब तो कांस्टेंट रहेगा देखो ये स्मॉल कैपिटल जी है कैपिटल जी कैपिटल एम कैपिटल एम बट ये बदलेगा ये क्या हो जाएगा R plus H का होल स्क्वायर दैट इज द सेकंड इक्वेशन और पिछली बार की तरह इस बार भी होगा ये आर है और ये आर प्लस एच है तो हम साफ साफ देख सकते हैं और कह सकते हैं कि आर प्लस एच क्या है आर से बड़ा है और जब ये बड़ा है तो ये छोटा ये छोटा है तो ये बड़ा इससे पहले भी मैंने बताया है बड़ा वाला छोटा छोटा वाला बड़ा ऊपर वाला में दूसरा है ऊपर वाला में बड़ा अगर होगा तो वो वैल्यू को बड़ा इंक्रीज करेगा लेकिन नीचे वाला छोटा करता है ना तो ये बहुत बड़ा है या ज़्यादा है इससे तो इसके कंपेरिजन में ये इसका वैल्यू ये ज़्यादा हो जाएगा ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा लॉजिकल बात ठीक है तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि जी जो होगा वो बड़ा होगा जी डैस कोई तकलीफ नहीं इससे जानकारी क्या प्राप्त हुआ कि यदि किसी वस्तु का वेट अगर सरफेस पे क्या होगा आ, बीस होगा पचास होगा न्यूटन वेट तो ऊपर जाने पे कम हो जाएगा क्यों क्योंकि g का वैल्यू ऊपर जाने पे कम होता है ये भी जवाब आया ऊपर जाने पे कम होता है ऊपर जाने पे कम होता है नीचे जाने पर भी कम होता है कैसे वो अब जानते हैं क्या ये समझ में आया हाइट बढ़ा क्या हाइट बढ़ने से क्या प्राप्त हुआ भाई उसका वेट कम हुआ और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कम हुआ जिसके कारण एक्सलेशन का वैल्यू क्या हो गया कम हो गया चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की तरफ और जानते हैं आगे क्या है क्या सिर्फ हाइट uh, का ही प्रॉब्लम है नहीं भैया डेफ्थ का भी प्रॉब्लम है डेफ्थ का तो डेफ्थ का प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है मान लीजिए ये अर्थ है और एक वस्तु यहां पर है तो इस पर जी लगेगा फॉर्मूला क्या लगेगा कैपिटल जी कैपिटल एम बटा क्या आर स्क्वायर सरफेस पे है तो वही लगेगा सेंटर से अब वही वस्तु को मैंने यहां पर रख दिया है थोड़ा सा डेफ्थ में और ये डेफ्थ जो है वो कितना है डी है यहां से लेकर यहां तक डेफ्थ डी मैंने मान लिया अब बताइए क्या होगा अब इसका तो जी का वैल्यू चेंज होगा तो क्या होगा जी डैस और इसका फॉर्मूला क्या होगा कैपिटल a ए तो कॉन्स्टेंट होता है है ना लेकिन नहीं कांस्टेंट कैसे हुआ नहीं हुआ कांस्टेंट कैसे कांस्टेंट नहीं हुआ देखो ध्यान से ये कैपिटल एम जो है वो बदल जा करके स्मॉल एम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो वस्तु रहेगी उसके लिए मात्र इतना ही अर्थ का पोषण काम करेगा यही मास काम करेगा ये वाला निग्लिबल हो जाएगा फिर ठीक है वस्तु यहाँ पे है उसके नीचे वाला सारा काम करेगा बोलो हाँ या ना तो ये स्मॉल एम हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं आर माइनस डी का क्या होल स्क्वायर ये किसका आ जाएगा जी डैश का देखो यहाँ पे आर जो है वो क्या है कमा है तो फोर्स का वैल्यू बढ़ना चाहिए था लेकिन मास इतना कम हो गया है कि इसके कमने से कोई प्रभाव नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे अर्थ का मास कम माना जाता है और वह मास अगर कम हो रहा है बहुत बड़ी मात्रा में तो डिस्टेंस अगर कम भी होगा तो उसके कारण जो फोर्स बढ़ेगा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा जी ही बड़ा रहेगा किससे जी डैश से अर्थ के अंदर जाने पर भी आपको इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नीचे वाला से लेकिन ये भी समझिए कि मास भी तो कम हो रहा है और मास कम होने से जी का वैल्यू क्या होता है कम होता है तो कम हुआ अगर सेंटर पे जाएगा सेंटर पे तो यहां पे जी का वैल्यू क्या होगा जी का वैल्यू क्या होगा कैपिटल जी और यहाँ पे मास क्या हो गया सेंटर पे तो जीरो हो गया क्योंकि उसके नीचे कहाँ अर्थ है कुछ और उसके बाद रेडियस भी जीरो हो जाएगा अगर मास जीरो है तो और जीरो है तो सिंपल सी बात है ओवरऑल जी का वैल्यू कितना हो जाएगा ज़ीरो यानी यदि हम बात करें है ना यहाँ पर जी का वैल्यू कितना हो जाता है ज़ीरो हो जाता है उसी तरीके से यदि आप बहुत ज़्यादा हाइट पकड़ते जाओगे तो हमने ये जाना है कि यदि हम हाइट पकड़ते जाते हैं तो आर प्लस एच का वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या आर से छोटा होता है ये कम होता जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जब R प्लस एच इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर से g डैस का वैल्यू कितना आ जाता है जीरो यानी ऐसे हाइट पर g डैस का वैल्यू जीरो हो जाता है जहां पर अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स का प्रभाव नहीं रह जाता है एक हाइट पर जाने पर प्रभाव नहीं ना रहेगा ऊपर जाने पे वही होता है और यही कहानी यहां पर हो रही है समझ में आना चाहिए आपको उसके बाद क्या होगा वहां पर उसके बाद इंटर प्लानिटेरियर स्पेस आएगा जहां पर दो प्लानिट्स में से किसी का भी प्रभाव नजर नहीं आएगा और वहां पर आपका जी का वैल्यू जीरो हो जाता है तो इंटर प्लानिटेरिय स्पेस और एक हो गया सेंटर ऑफ अर्थ जहां पर जी का वैल्यू क्या आ जाता है जीरो आ जाता है कोई समस्या यहां तक मुझे नहीं लगती है कि समस्या हो रही होगी अब बढ़ते हैं आगे देखिए हर एक वस्तु को न्यूमेरिकल uh, क्वेश्चन कैसा आता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा आएगा भाई की uh, कोई बिल्डिंग uh, है उस बिल्डिंग पर से बॉल को uh, नीचे गिराया जा रहा है ऊपर थ्रो किया जा रहा है इसी तरह का क्वेश्चन आता है मेनली उस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में आप ये देखोगे जब थ्रो करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन को कुछ होगा फाइनल वेलोसिटी कहीं ना कहीं कुछ होगा है ना एक्सलेशन जरूर उसके अंदर आएगा अर्थ के कारण है ना वही चीजें हैं तो यहाँ पर हमने तीन इक्वेशन पढ़ा हुआ है क्या पढ़ा हुआ है भी बराबर U plus t, एक फार्मूला ये उसके बाद भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस थर्ड इक्वेशन इज से एस बराबर यू टी प्लस क्या हाफ ए टी स्क्वायर है ना ये सेकंड में लिखा हो रहा था ये वाला और ये थर्ड में तो उससे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है हाँ बस यही दिमाग में रखिए ये तीन इक्वेशन है जो न्यूटन जी ने हमें दिया था तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा फर्क क्या रहेगा फर्क ये रहेगा कि भी बराबर यू प्लस एक्सलेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी है इसलिए एक एक जगह पे क्या हो जाएगा स्मॉल जी और टी और वहां पे वैल्यू क्या पुट होगा 9.8 तो दिया हुआ नहीं भी रहेगा तो पुट कर लेना है भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस टू जी एस और एस बराबर क्या हो जाएगा बताइए यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बोलो हाँ है ना है ना कहानी समझ में आ रही है तो जैसे जैसे यहाँ से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी पांच, तो यहाँ पे दस यहाँ पे पंद्रह यहाँ पर बीस यहाँ पे पच्चीस तो इनिशियल वेलोसिटी कौन हो जाता है ये फाइनल क्या हो जाता है ये तो फाइनल माइनस इनिशियल है ना जो होता है वो वैल्यू कितना आता है पांच जो क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है लेकिन जब नीचे से थ्रो करेंगे नीचे से जब थ्रो करेंगे तो क्या होगा बढ़े घटेगा ना वैल्यू नीचे से घटेगा जैसे अभी नीचे से यहाँ से थ्रो करना शुरू किया मैंने यहां से नीचे से थ्रो किया तो मैंने स्टार्टिंग ट्वेंटी फाइव से किया फिर ट्वेंटी होगा फिर फिफ्टीन होगा फिर टेन फिर फाइव यहाँ फिर जीरो हो जाएगा और जीरो के बाद फिर से नीचे आने लगेगा बोलिए हाँ या ना तो इसमें इनिशियल ट्वेंटी फाइव होगा और फाइनल क्या हो जाएगा इनिशियल ट्वेंटी फाइव हो जाएगा फाइनल क्या हो जाएगा भी और भी में से अगर यू घटाओगे अब भी में से यू अगर घटाओगे तो बीस माइनस पचीस यानी माइनस पांच आ जाएगा तो ये फर्क होगा जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव लेना है एक्सलेशन और नीचे से जब ऊपर जाएगा तो जी का वैल्यू क्या लेना है निगेटिव यानी प्लस नाइन पॉइंट एट कॉब जब ऊपर से नीचे आए और माइनस नाइन पॉइंट एट कॉब जब नीचे से ऊपर जाए बातें समझ में आ रही है फॉर्मूला आपका यही होगा क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से देखिएगा कहां पे क्या है अब वहां पे क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें छुपाई हुई रहती हैं वो खुद से ढूंढना होता है वो एक ये कि यदि मैंने यहां से बॉल थ्रो किया है तो लॉजिकल बात है बॉल जब थ्रो किया है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ उसमें दिया हुआ रहेगा उसमें फाइनल फिर नहीं देगा तो फाइनल क्या हो जाएगा जीरो मैंने यहां से थ्रो किया है तो जाके रुकेगा लॉजिकल बात है <coughs> तो जब कोई भी चीज थ्रो किया जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है और जब किसी चीज को ड्रॉप किया जाता है ड्रॉप तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगा उसका वो जीरो होगा वो नीचे की तरफ आ रहा है बोलो हाँ ना बोलोगे हाँ तो भी बराबर जीरो होगा यू बराबर जीरो होगा कब ये मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है और कभी कभी कंफ्यूजन

और ये बहुत ही बेहतरीन है इसको जानना बहुत ही ईजिली हम जान सकते हैं ठीक है तो मैं थोड़ा सा ये देख रहा हूँ कि कैमरा सही तरीके से है कि नहीं स्टेबल तो उसके कारण मुझे थोड़ा टाइम लगा अभी हम लोग जानने वाले हैं मास के बारे में मास होता क्या है तो मास के बारे में कहा जाता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या मैटर मटेरियल लिखिए आप द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है ना डेट कॉन्टेंड डेट कॉन्टेंड इन द बॉडी है ना जो उस वस्तु के अंदर शामिल है है ना वस्तु क्या मान लो चेयर चेयर बना हुआ किससे प्लास्टिक से या उड से तो उस प्लास्टिक की जो मात्रा होगी उस प्लास्टिक की जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी उस प्लास्टिक की मात्रा को हम कहेंगे मास समझ में आया ठीक है जितना ज्यादा लकड़ी यूज होगा जितना ज्यादा उड यूज होगा जितना ज्यादा प्लास्टिक यूज होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा मास होगा बातें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल आ रही होंगी समझ में ठीक है अगला सवाल जो पूछा जाता है कि वाट इज द सिंबल ऑफ मास तो आपका जवाब क्या होता है इसका सिंबल जो है स्मॉल एम होता है फिर ऐसा यूनिट आपसे पूछ देता है तो ऐसा यूनिट इसका क्या होता है इसका ऐसा यूनिट होता है के और यदि पूछ दे आपसे सी तो बड़ा ही सिंपल जवाब होगा आपका कि सी यूनिट क्या होता है इसका ग्राम होता है बातें समझ में आ गई होंगी ठीक है अगला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा ये कैसा क्वांटिटी है तो आपका जवाब होना चाहिए कि मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कैसा क्वांटिटी है स्केलर स्केलर किस क्यों उसको मैग्नीट्यूड सिर्फ इसके पास होता है डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं रीजन बड़ा साफ है कि कोई स्पेशल फैक्ट्री इसको प्रभावित नहीं करता है कि डायरेक्शन इसके अंदर आ जाए है ना तो मास जो है स्केलर uh, क्वांटिटी है है रीजन की uh, इसके पास सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड मैग्निट्यूडी आप लिख लो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन uh, यहां पर नहीं है ठीक है उसके बाद अगला सवाल क्या किया जाता है कि इसको मेजर्ड किया जा सकता है तो बिल्कुल मेजर किया जा सकता है किसके द्वारा पूछा जाता है तो मेजर्ड बाई कॉमन बैलेंस अंधा कानून आपने देखा होगा टीवी पर कोर्ट में ऐसे तराजू लेकर के ऐसे एक रहता है आंख में पट्टा बांधा हुआ वही कॉमन बैलेंस है गांव में भी अभी यूज होता है बहुत सारे जगहों पर क्योंकि उससे ठगना आसान हो जाता है वो इलेक्ट्रिकल वाला थोड़ा सा ज्यादा लाभ नहीं देता है दुकानदारों को तो मास्क जो है स्केलर क्वांटिटी है बातें समझ में आपको आ गई होंगी उसके बाद बताया गया है कि मास जो होता है वो वो क्या होता है मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू कभी भी बदलता नहीं है चाहे आपका आ, सोलर आ, फैमिली बदल जाए मतलब आप कहीं पे चले जाओ मार्स पे चले जाओ या दूसरे ग्रह के किसी ग्रह दूसरे यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स मतलब कहीं पे भी चले जाओ कहीं पे भी चले जाओ मास का वैल्यू बदलता नहीं है हर जगह क्या रहता है सेम रहता है नॉर्मल भाषा में समझे यदि अर्थ पे फाइव के है तो मून पर भी फाइव के आपका हो जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ पे भी फाइव के जी इंटर प्लानिटरी स्पेस जहां पर जीरो हो जाता है वेट वहां पर भी मास आपका उतना ही रहेगा उसमें परिवर्तन नहीं होता है बातें समझ में आ गई एक और लास्ट सवाल जो पूछा जा सकता है जो आपने पहले पढ़ा है मास का रिलेशन किसके साथ होता है वो होता है एनर्सिया के साथ और एनर्सिया क्या है इनर्सिया सबको पता होगा इनर्सिया हमें बतलाता है कि कोई वस्तु कितना स्थिर है यानी जिसका मास ज्यादा होता है उसमें ज्यादा इनर्सिया जिसमें मास कम उसमें इनर्सिया क्या होता है कम होता है बातें समझ में आ गई तो बोलिए हाँ बिल्कुल समझ में आ गई और बहुत ही आसान भाषा में आपने ये समझा होगा ठीक है बढ़ते हैं आगे और मास के बड़े भैया यानी इनका नाम है क्या वेट उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं वेट क्या कहता है तो यहां पर हम लिख लेते हैं डब्ल्यू आई जी एस टी वेट क्या होता है तो वेट जो होता है द फोर्स वेट किसको कहते हैं फोर्स को है ना वेट किसको कहा जाता है फोर्स को <coughs> है ना बाई विच जिसके द्वारा अर्थ जिसके द्वारा अर्थ एट्रैक्ट एट्रैक्ट करता है अदर है ना ऑब्जेक्ट्स दूसरे वस्तुओं को या बॉडीज को उसे हम क्या बोलते हैं वेट कहते हैं जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है और फोर्स का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है फोर्स के फॉर्मूला पर कैपिटल जी एम टू बाहते मास और वेट में ये फर्क है डिफिनी क्या हो जाएगा? आ, फर्क हो जाएगा कोई तकलीफ यहाँ तक तो नहीं आ रही होगी तो किसी भी चीज का वेट अगर निकालना है कैसे निकालेंगे तो भाई फोर्स निकाल दो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मास इन टू तो फोर्स वहीं पर रह जाएगा मास वहीं पर रह जाएगा एक्सेलरेशन जो अर्थ पे होगा वो कैसे निकलता है स्मॉल जी रख लीजिए और ये लगा दीजिए आपका वैल्यू तो आ हैं वेट पूछा जाएगा हम का चीन, सीना चीड़ दे हुए जाएंगे, फिल्म के हीरो की तरह है ना तो हम हाँ, सरफेस में ही रहने वाले हैं और जहां पर होता है, कोई तकलीफ है आपको तो बिल्कुल नहीं हो रही होगी है ना सवाल पूछ दे अगर कि मान लीजिए वेट निकालिए जिसका मास वन के जी है तो वन इंटू नाइन पॉइंट एट यानी कितना हो जाएगा उसका फोर्स बराबर क्या होगा वन इंटू नाइन पॉइंट एट क्या हो जाएगा तो न्यूटन तो रहने वाला है, है ना तो एव का रिलेशन किसके साथ है मास के साथ मास बढ़ेगा वेट बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा और फोर्स बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा बात समझ में आ गया क्योंकि तो जी तो कॉन्स्टेंट रहने वाला है नाइन पॉइंट एट से डिवाइड कर दो आपका मास आ जाएगा किसी भी वेट में नाइन पॉइंट एट से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा आपका वेट आ जाएगा कोई समस्या यहां तक नहीं अगला सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि आ, वेट जो है वो क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए कि एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है क्यों है वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि सिर्फ इसके पास मास नहीं है मास के साथ साथ क्या है डायरेक्शन भी है, है ना मास मतलब क्या मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऐड होता है उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है वेट उसे कहा जाता है क्या वेट कहा जाता है कोई समस्या यहां तक तो बिल्कुल नहीं हो रही होगी समस्या किसी भी तरीके की अब बढ़ते हैं आगे मैं आशा करता हूं कि ऐसा हो रहा होगा ठीक है अब आगे बताया जा रहा है कि वेट जो है वो कैसा है? तो वेट जो है, नहीं है। वो क्या है कॉन्स्टेंट नहीं है अभी यहां पर लिख देता हूं कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट किसको बोलते हैं जिसका वैल्यू हर जगह सेम रहता है कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब हर एक जगह वैल्यू बदलेगा है ना कहां पे भाई तो वेट अगर निकालोगे सेंटर पे सेंटर ऑफ अर्थ पे तो वहां पर क्या लगेगा एम इंटू ए स्मॉल जी स्मॉल जी का वैल्यू सेंटर पे क्या होता है जीरो तो एम इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो जीरो न्यूटन यानी वेटलेसनेस हो जाएगा जब जीरो वेट हो जाता है तो उसे वेटलेसनेस कहा जाता है तो सेंटर ऑफ अर्थ पे ऐसा होगा और इंटर स्पेस पर भी वेट क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि वहां पर भी जी का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है तो दो जगहों पर इंटर स्पेस और एक और क्या हो जाएगा बताइए सेंटर ऑफ अर्थ कोई समस्या यहाँ तक दो जगहों पर आपका जीरो हो जाएगा वेटलेसनेस हो जाएगा इसके बाद पूछा जाता है कि इसको मेजर किया जाता है तो बिल्कुल मेजर किया जाता है किसके द्वारा पूछ देगा तो यहां पर कॉमन बैलेंस नहीं कैसा बैलेंस यूज होता है तो स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है स्प्रिंग बैलेंस जो है वो फोर्स के मैग्नीट्यूड को माप लेता है किसके फोर्स के मैग्नीट्यूड को है ना जो कौन लगाता है अर्थ लगाता है है ना बैलेंस प्रेशर पड़ेगा तो स्प्रिंग नीचे की तरफ जाएगा और वो मेजर कर लिया जाता है, है ना आपने देखा है बहुत सारे जगहों पर वो मशीन लगा करके लोग रहते हैं और वहां पर एक रुपया

किसी का थर्टी के जी है तो मून पे कितना हो जाएगा तो फाइव के जी लेकिन ये प्रूफ कैसे होगा तो बड़ा लॉजिकल थोड़ा प्रश्न है देखो फोर्स <coughs> वेट बताता है तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा मास इंटू एक्सलरेशन ठीक है मास तो सबका सेम रहने वाला है तो मास इंटू हम अर्थ पे निकाल रहे हैं ना तो फोर्स एट अर्थ या फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ तो एम इंटू क्या एक्सलरेशन की जगह पर क्या होगा स्मॉल जी किसका अर्थ का तो ये FE जो होगा एम हो जाएगा इंटू जी ई कितना है बताओ नाइन पॉइंट एट है ना अर्थ पे तो द वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा एम इंटू नाइन पॉइंट एट इक्वेशन दूसरा इक्वेशन पे आओ वेट ऑन मून क्या होगा एम हो जाएगा इंटू वन पॉइंट क्या हो जाएगा सिक्स वन होता है लगभग अबाउट में आप बोल सकते हो है ना वेट ऑन मून क्या होगा मास इंटू एक्सलेशन एक्सलेशन जो मून पे होता है याद लिया जाए तो निकाल सकते हैं एक्सलेशन निकालने का तरीका तो बताया हुआ है मैंने तो ये हो जाएगा अगर हम इन दोनों का तुलना करें हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेट ऑन मून और यहाँ नीचे लिख लेते हैं वेट ऑन अर्थ तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एम इंटू वन पॉइंट सिक्स वन होगा ऊपर और एम इंटू नाइन पॉइंट एट कहाँ हो जाएगा नीचे ये दोनों कैंसिल डेसिमल के बाद दो अंक है हटेगा यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा ठीक है और ये कट जाएगा यहाँ से इसको कटाओगे तो लगभग लगभग अबाउट में बोला जाता है कि वन बाई सिक्स के आसपास आता है है ना अब आप देख लो आसानी से कह सकते हो क्या कह सकते हो वेट ऑन मून देखो यहीं पर रह गया और ये डिवीजन में हो गया मल्टीप्लाई में हो गया तो बोलेंगे वन बाई होता है ऑफ वेट ऑन अर्थ के बोलो तो इसे आप निकाल सकते हो वेट ऑन अर्थ दिया हुआ है पे पिट करो करो आंसर आ जाएगा बोलो या ना तो ये आपका आ जाएगा वेट ऑन मून कोई समस्या किसी भी तरह का किसी भी तरह की परेशानी मुझे नहीं लगता है कि आपको हो रही होगी बहुत ही आसान भाषा में आपको बता दिया गया है एक और तरीका होता है जो आप लगा सकते हैं वो वाला कैपिटल जी एम वन एम टू इस तरीके का वो आप यूज कर सकते हैं वो थोड़ा बड़ा जाएगा ऐसे मैंने एक तरीका ढूंढा है देखिए मैं आप इसको निकाल सकते हैं देखिए मास ऑफ अर्थ अगर हम मान लेते हैं कि एक्स है तो मास ऑफ मून जो है वो कितना मानेंगे या मास ऑफ मून हम मान लेते हैं एक्स है तो मास ऑफ अर्थ कितना लगभग आप हैंड्रेड एक्स मान लो मैं बताता हूँ क्यों हैंड्रेड एक्स ऐसे करिएगा तो एट्टी टाइम्स आता है लेकिन मैं यहाँ पर हैंड्रेड एक्स मान लेता हूँ अगर रेडियस ऑफ मून मान लिया जाए कि एक्स है तो रेडियस ऑफ मून जो है वो कितना हो जाएगा वो लगभग फोर हो जाता है तो देखो ये फोर से थोड़ा कम होता है मैं फोर एक्स ले रहा हूँ और फिर उसका मैं दुगना कर रहा हूँ तो मान लीजिए अगर हम वन uh, टाइम्स भी दुगना कर रहे हैं तो काफ़ी स्क्वायर उसका ज़्यादा हो जाएगा ना अगर मान लीजिए ये बड़ा है कोई वैल्यू एक्स है तो ये फोर एक्स है ठीक है और ये फोर एक्स एग्जैक्ट नहीं है फोर एक्स से थोड़ा कम है लेकिन मैं ज़्यादा ले रहा हूँ तो मैं इसको ज़्यादा ले रहा हूँ यही यदि मैं इसको ज़्यादा ले रहा हूँ तो ये वैल्यू को कम करेगा कम करेगा कम करेगा ये फोर एक्स uh, मतलब एग्जैक्ट नहीं है और ये 80 टाइम्स आता है तो मैंने इसको ज्यादा क्यों लिया है क्योंकि इसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्योंकि एकदम एक्ज़ैक्टली exactly फोर एक्स नहीं है थ्री एक्स लेंगे तो और गड़बड़ हो जाएगा फिर इसको मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा लेकिन सो एक्स इज द परफेक्ट नंबर इज एक्सो ए परफेक्ट नंबर ऐसा बोल सकते हैं ठीक है अब क्या होगा आप निकालोगे फॉर्मूला ग्रेविटेशन फोर्स बराबर क्या होगा कैपिटल जी M1, M2, अब क्या हो हो जाएगा स्क्वायर यहां पर ये किसका निकाल रहे हो? अब बताओ जल्दी मून का अर्थ का निकालो ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगाओगे कैपिटल जी एम वन एम टू बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर चलो दोनों को फर्स्ट मान लो एक को सेकंड मान लो दोनों का तुलना करो तुलना करो तुलना करने की बात है तो तुलना कर लिया जाए कैसे होगा ये तो ही कैंसिल हो गया दोनों डिवाइड करेंगे ना तो ऐसे ही हो जाएगा है ना अब अगर ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट है ना कोई है। एक ऑब्जेक्ट का बोला जा रहा है कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिक ऑब्जेक्ट है दोनों का मास क्या है सेम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम सेम है, है। कोई एक बॉल की बात हो रही है, एक बॉल का अगर यहां पर वेट कुछ है तो मून पे बोला जा रहा है तो कोई एक मास जो है आपका रेडियस यही दोनों से पता चल जाएगा तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है आप यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून बाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऐसे लिख सकते हैं अब बराबर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आप लिख लीजिए क्या होगा आप मून का पहले लिख रहे हो तो मून का कितना है बताओ मून का कितना है एक से है मून का कितना है एक्स है और उसका आर कितना है बताओ उसका आर भी क्या है एक्स नहीं लेना चाहिए था वाई ले लेना चाहिए था ज़्यादा गड़बड़ हो गया इसको वाई ले लेते हैं नहीं दोनों अगर आप ले लीजिएगा सेम ना तो काम गड़बड़ हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स सौ नीचे क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर उसके नीचे आ जाओ ये क्या हो जाएगा हंड्रेड एक्स और फिर इसका आर स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा फोर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा सिक्सटीन वाई स्क्वायर ये एक एक्सेस कैंसिल हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा चल जाएगा सिक्सटीन ऊपर और सौ आ जाएगा नीचे कटेगा कितना आएगा वन बाई सिक्स तो फिर से तो वही बात है इसको वहाँ पहुँचा दो नीचे से भागा से गुना में तो बात वही हो जाएगा है ना बस यहीं पे एक थोड़ा सा दिक्कत हो आपको होगा यहाँ पे मैंने हंड्रेड एक्स मान लिया बिकॉज एट्टी टेम्स आता है एग्जैक्टली exactly. तो ये फोर वाई है ना तो ये फोर वाई भी एक्जैक्ट नहीं है थोड़ा सा कम है तो वो मैंने थोड़ा बढ़ाया है और मैंने फिर उसका स्क्वायर किया है तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो ये क्या करेगा पूरे वैल्यू को क्या करता है नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना वो ऊपर वाले वैल्यू को कम करता है तो हम इसको कैसे बढ़ा के रखेंगे तो इस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया एक एस्टिमेट दे दिया कि भाई यहाँ तक है यानी हंड्रेड तक एटी से ट्वेंटी मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने ठीक तो <coughs> मैनेज करने के लिए और उसे प्रूफ हो गया कि वन बाई सिक्स होता है बातें समझ में आपको आ रही होंगी और एक और तरीका है डायरेक्ट आप इसका वैल्यू पुट कर लीजिए मास अर्थ का यहाँ पे हमको क्या चाहिए मास सही अर्थ का वो पुट करेंगे रेडियस चाहिए मास चाहिए मून का रेडियस तो हम डायरेक्टली पुट करके मून का और अर्थ का निकाल सकते हैं अगर वैल्यू याद रहे तो वो तो एग्जाम में दिया हुआ रहता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए चलिए तो ये आपका समाप्ति है ग्रेविटेशन का अगले वीडियो में इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पूरे कंप्लीट चैप्टर का तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद इतना पेशेंस से आपने देखा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें धन्यवाद